नमस्कार साथियों, आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप वेट कर रहे हैं, और रादर सम्यक इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू कम ऑनलाइन टू डिस्कस दिस पेपर विद यू. इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. पेपर को पहले स्कैन करो, फिर सारे एक्सपर्ट्स के बीच में शेयर करो और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स निकालो. तो वी टुक अ लिटिल टाइम, बट येस वी आर द फर्स्ट वन टू कम. मैं यहाँ पे आपके साथ में पहले ये बताने आई हूँ कि आपका पेपर जैसा भी गया हो घबराइए मत, शांति से एक बार मिलान करके देखिए और फिर देखिए आपके क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं. इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, पहले आप देखिए आपने कितने अटेम्प्ट किए, फिर कितने ठीक हो रहे हैं. आपके जितने गलत हुए उनको डिवाइड बाय 3 कीजिए और अपने सही में से उनको माइनस कर दीजिए. इस प्रकार से मिलेगा आपको वो नंबर जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे. इसमें कुछ ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है क्योंकि आरपीएससी हर साल दो तीन क्वेश्चंस को डिलीट कर देती है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार. हम आपका कब से वेट कर, वी आर सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं और आई टोल्ड यू कितना सारा एफर्ट करना पड़ता है पेपर को सभी लोगों से एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाने के लिए. ठीक है, ग्रेट. अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी 20 क्वेश्चन जो कि साइंस के आए उनमें से. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो की हम फॉलो कर रहे हैं अभी वो इस पे लिखा हुआ तो नहीं है, इस पे है ASR 21, बट 91 नंबर उसमें साइंस स्टार्ट होता है. तो मैं साइंस से शुरू करवा रही हूँ, तब तक और सर की टीम भी जुड़ जाएगी और वो आपको बताएंगे कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कितने आंसर्स. ओवरऑल आइडिया ये है कि आज का पेपर बहुत स्तरीय पेपर था. इकोनॉमी के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारा डेटा पूछा गया था. ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो जिसको अच्छी नॉलेज जिसने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है उसको आया, और इनफैक्ट संदीप सर की क्लास से बाहर क्वेश्चंस नहीं आए हैं. और हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आप जानते हैं आरपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है, कहीं कहीं से खोद खोद के निकालती है और वो ऐसे सवाल होते हैं जो शायद क्वेश्चन बनाने वाले को भी नहीं पता होगा, पर फिर उसमें भी हमने बहुत अच्छी क्लासेस ली थी. करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया पढ़ाया सर ने और उसमें से क्वेश्चंस आए हैं. तो वी आर श्योर कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आप इजीली सेल थ्रू कर जाएंगे. हम शुरू करते हैं पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 91 से. ये क्वेश्चन नंबर 91 है, प्लीज अपना पेपर निकालिए और देखिए उसमें किस सीक्वेंस में आ रहा है. निकाला क्वांटम डॉट क्या है, तो क्वांटम डॉट 4 ऑप्शंस हैं. ये एक अर्धचालक नैनो संरचना यानी सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है. मार्क कर लीजिए आपकी रेस्पेक्टिव आंसर शीट में, कॉपी में वो हो सकता है ABCD कहीं भी हो, इसका आंसर होगा इट इज अर्धचालक नैनो संरचना. नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 16:9 चित्र अभिमुखता अनुपात यानी पिक्चर एस्पेक्ट रेजोल्यूशन में इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1920x1080 पिक्सल्स, यानी जो 16:9 है तो 9 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे 1080 पे एंड होगा, और 9 का कितने टाइम्स है ये, तो 9 का है 4/3 टाइम्स, तो इसका 4/3 टाइम्स इज 1920, तो 1920 गुना 1080 पिक्सल इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इट इज 93, कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ एक मुर्गे की किस्म है जो बांसवाड़ा में बहुतायत में होती है और इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट भी चला रही है राजस्थान सरकार. फिर अगला पूछा गया है ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो हम जानते हैं क्रोमोसोमल डिजीज है, इट इज डाउन सिंड्रोम. सॉरी, नेक्स्ट इज 94, ट्राइसोमी 21, तो इसकी जो डिजीज का नाम है इट इज डाउन सिंड्रोम. यहां तक ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. जैपनीज इंसेफिलाइटिस क्वेश्चन नंबर 95, टेक्निकल टीम जरा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप कहें सर. फाइन, जापानीज इंसेफिलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से पर संक्रमण करता है, तो ये करता है मस्तिष्क पर, तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क. इसकी हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, तो आप अपनी रेस्पेक्टिव कॉपीज में इसको ऑप्शन अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा. मैं साथ में पढ़ इसलिए रही हूँ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो, और प्लीज रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए घनश्याम जी, दिख जाएगा. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है, तो नहीं है का मतलब होगा कि इनमें से आपको वो निकालने हैं. प्लेग हम जानते हैं,
चूहों की वजह से फैलता है, रेबीज कुत्ते या ऐसे ही जानवरों के कारण काटने के कारण फैलता है। ऐसे SARS हमने देखा था कि जो कोविड का पहले नाम था वो SARS-CoV-2 ही था, तो उसका भी जीनोटिक हम ट्रेस कर पाते हैं। बट म्यूकर माइकोसिस जो है ये कवक के कारण होने वाला रोग है, ये फंगस के कारण होता है, तो इट इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस केस 96 क्वेश्चन में म्यूकर माइकोसिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ MOEMS क्या है? तो ये है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि आपको भी बहुत उत्सुकता हो रही होगी, प्लीज जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं अगर एस्पायरेंट थी तो मुझे भी ऐसे लगता था कि कोई जल्दी से मुझे आंसर्स बताए। ठीक जा रहे होंगे? वाओ, तुलसाराम जी ने लिखा है, कौशल भारद्वाज सर ने पढ़ाया, वो सारे के सारे आ गए। कौशल सर तो है ही बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड इज नॉट यूज्ड इन इनसेट और जीसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन? यानी निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग नहीं लाया जाता? तो ये MF किसी ने सुना होगा, 93.5 हम खूब सुनते हैं FM, तो दिस इज MF विच इज नॉट यूज्ड। ठीक कर लिया आपने, करेक्ट कर लिया, नेक्स्ट चले, चलो ग्रेट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? हम जानते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें इट इज 1.8F। प्लीज लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? इट इज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मार्क कर लिया आपने, अगले क्वेश्चन पे चलें, ग्रेट। अगला क्वेश्चन है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? ये तो हमने परसों ही किया था, प्री से पहले प्री में। वाओ, कितने शानदार टीम समक ने क्वेश्चंस बनाए। ये समुद्र में पाया जाता है, छोटे से फाइटोप्लैंकटन के ऊपर बहुत बड़ा बायोमास करता है रिजाइड, तो इसका आंसर होगा समुद्री। ये तो परसों ही किया था, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने तो करवाया था आप लोगों को, वंडरफुल। फिर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य से स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बॉडीज हैं, उनमें रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो जोधपुर में है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। जो लोग सम्यक से जुड़े हैं उनको पता है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको भी पता है ये आंसर। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि हमने पढ़ा है, वो ही आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 में होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सर, आप जाइए। तो फैट सोल्यूबल जो होते हैं उनमें से हम जानते हैं कि सी वाटर सोल्यूबल है, तो सी की वजह से ए और डी डायरेक्ट कट जाते हैं, ऑप्शन 1 और 4 डायरेक्ट कट जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा 2, A and D। A and D, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही फैट सोल्यूबल हैं। प्लीज आपकी आंसर शीट में हो सकता है, आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि ऑप्शन ऊपर नीचे हो, तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि दो नंबर, आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर। आंसर वुड बी विटामिन ए एंड विटामिन डी आर फैट सॉल्युबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या शानदार आंसर आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। इट टेल्स माता गर्भस्थ शिशु RH प्रकार रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो जाती है यदि माता RH हीन एवं उसका गर्भस्थ शिशु RH सहित होता है। ये आपको याद होगा, ये क्वेश्चन मैंने जब साइंस की क्लास करवाई तब भी करवाया था, तो इसमें बिल्कुल ठीक बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव, RH हीन और RH सहित, ये ऑप्शन सही है। आपकी जो भी की है उसके हिसाब से मैच कर लीजिए, ऑप्शन होगा RH नेगेटिव and RH positive respectively, mother should be RH negative and the fetus should be RH positive. Next is मेरी जो जिस question paper को हम follow कर रहे हैं उसमें question number 104, it talks about compressed natural gas, CNG में basically होती कौन सी है major gas? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः क्या है? तो CNG मुख्यतः है methane, CNG मुख्यतः मीथेन है। ठीक चल रहे होंगे आपके, शाह बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, सोना जी बोल रहे हैं, अनिता, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम,
डीआरडीओ का आदर्श वाक्य, दोनों को जोड़ के देख लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी उनको जोड़ के देख लेना चाहिए। डीआरडीओ देश का डिफेंस, डिफेंस मतलब बल फोर्स, और उसके मूल में क्या, विज्ञान, क्योंकि डीआरडीओ विज्ञान में काम कर रहा है, तो इट इज बलस्य मूलम विज्ञानम 105, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? आरपीएससी ने सवाल 2018 में पूछा था, बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया गया था, या 16 में पूछा था, मैंने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है, मुझे ध्यान है, उदयपुर में स्थित है, और इसके लिए इस बार भी हो सकता है रिट लगे और इस बार भी क्वेश्चन डिलीट हो जाए। मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो दिया गया था कमेंट, वो दिया गया था लोगों के द्वारा कि जो हमारे जंतर मंतर में है ना, वहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मे बी इट्स अ कन्फ्यूजन, आई डोंट नो, बट इसका जो अभी हम करंट आंसर स्टैंड कर रहे हैं वो है उदयपुर में। सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, 106, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है? और ये है जयपुर, सॉरी इट इज इन उदयपुर, इट इज रॉन्ग मार्क्ड, ठीक है? सो इट्स अ कन्फ्यूजन, कुछ लोग बोलते हैं उदयपुर में, कुछ लोग बोलते हैं जयपुर में, सो इट्स गोइंग टू सस्टेन एक्चुअली, सेम कन्फ्यूजन फिर से आएगा। अगला क्वेश्चन है 107 हमारे वाले जो सीरीज है उसमें है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, यानी इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से निम्नलिखित में से एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम कितना है? इट मींस इट इज गोइंग टू आस्क कि किसमें सबसे कम डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वो भी राजस्थान के कौन से जिले में। सो ये जिला है जोधपुर, और ये जिला है जोधपुर, आपने टिक कर लिया होगा। आगे चले, अलवर सही नहीं है इसका आंसर, इनफैक्ट इसका आंसर जोधपुर है, अलवर में तो हम जानते हैं कितना वो है, इट्स ग्रीन, वेरी ग्रीन। आगे चले, अगला क्वेश्चन है मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी दुर्दम मलेरिया किस कारण से होता है, यानी उसका जो पैथोजन है उस पैथोजन का नाम पूछा हुआ है, तो इसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया किस कारण से होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। टिक कर लिया आपने, ग्रेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, मतलब 19 सवाल हमने कर लिए हैं और इतनी जल्दी, वंडरफुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? ये तो सब बच्चे को पता है, रोहिड़ा, लवली, ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता, इसका आंसर है रोहिड़ा। और इसी के साथ हम साइंस के क्वेश्चंस को एंड करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन जो साइंस का है वो है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रकार से पहुंचती है? तो उसके पहुंचने का जो मेथड है वो है ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। अच्छा, जिनको नहीं आता था उनके लिए एक ट्रिक ये है कि पहुंचेगी कैसे, ऐसे पाइप है उसमें जाएगी, अपवर्तन का मतलब गई टकराई, ऐसे पहुंचेगी, तो उससे कर लेते, लेकिन ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा पहुंचता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए मेरे साथ में आ गए हैं आप सभी के चहेते संदीप सर, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बताएंगे, और द बेस्ट पार्ट इज कि सारे एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और वो आपको सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस बता रही है, और वी आर द फर्स्ट वन टू कम ऑनलाइन, टू डेयर टू कम ऑनलाइन टू सॉल्व, ठीक है? ग्रेट, ओवर टू संदीप सर। गुड इवनिंग ऑल, वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज आपने पेपर दिया और हम लोग आशा कर रहे हैं कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। अच्छा, जो हमारा पार्ट चल रहा है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के उसमें देखते हैं सबसे पहले पेपर में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं 51, सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं हम 51, निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है, क्लियर हुआ? तो थार मरुस्थल का भाग कौन सा है, तो देखिए, शेखावाटी क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र, बनास का मैदान और गग्गर का मैदान। अगर हम देखते हैं गोडवाड़ क्षेत्र जो है जालौर बाड़मेर वाला, शेखावाटी क्षेत्र और गग्गर का मैदान, ये तीनों के तीनों जो है मरुस्थल के भाग हैं, ए बी और डी इसका ऑप्शन होगा एक, क्लियर, इसका ऑप्शन होगा एक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53,
क्वेश्चन नंबर 53 में आप देखिए कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरावली की पहाड़ियां यानी कि खमनौर हिल्स, क्लियर। दूसरा, यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। यस, मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। बेडच, कोठारी, मोरेल, इसकी सहायक नदियां हैं। आंसर ऑप्शन से ही हो रहा है कि बनास नदी की जो सहायक नदी है बेडच, कोठारी, मोरेल है। ऑब्वियस है, ये आंसर जो होगा ये कौन सा होगा, बनास, ऑप्शन टू, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, क्वेश्चन तो इतने मुझे लग रहा है कि जो आपने पढ़ाया उसके बाहर तो कहीं जा नहीं रहे हैं। ये सारे तो आपने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल, लवली, अमेजिंग क्वेश्चन सर। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख रहे होंगे, इंडिया ज्योग्राफी में आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन कराए थे, जो आपको जल्दी से एक मैराथन क्लास कराई थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडिया ज्योग्राफी, क्वेश्चन वहां से आ चुके हैं और हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये लेवल तो इसको बहुत इजी लेवल है, बहुत इजी लेवल है, बिल्कुल इजी लेवल है। आप इसको एक ऑप्शन से कर सकते हैं। Absolutely. किसी भी ऑप्शन से आप इसका आंसर बना सकते हैं। Absolutely, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 क्लियर। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। तो आप लोग आंसर देखेंगे तो डूंगरपुर जिला जो है वो द्वितीय स्थान आ जाता है। कौन सा आ जाता है, डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर, सर मैं यहाँ कैंडिडेट्स को कहना चाहती हूँ कि प्लीज पीछे वाली टीम पे जाइए, पीछे वाले उस पे जाइए, पीछे क्वेश्चन पे। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि हमने टिक लगाया, ये हमने नहीं लगाया, जिनकी कॉपी हमने स्कैन की है ना, ये उन कैंडिडेट का लगाया हुआ है। सर जो आपको बता रहे हैं वो ही करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर दक्षिणी अगर राजस्थान में देखते हैं तो सिंपल हम बात करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकलेगा उत्तर दक्षिण गलियारा का, आगरा। क्लियर हुआ, आगरा इसका सीधा सीधा आंसर निकलेगा। इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा आंसर आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 56 आप लोगों को याद हो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को याद हो तो मैं आपसे ये डिस्कस पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे पर्वत, सारे पठार, सारे मैदानों के बारे में डिस्कस किया था, वो सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं। सीधा क्वेश्चन देखिए, बल्कस झील कजाकिस्तान, टिटिकाका झील बोलिविया, पेरू, इरी झील यूएसए कैनेडा, बैकाल झील यूक्रेन। अगर ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसका, तो ऑप्शन देखिए कि मैंने जब मुझे खूब याद है मैं आपको एशिया पढ़ा रहा था तो मैं स्पष्ट रूप से बोला था कि एशिया के उत्तरी मैदान में की विशेषता है बैकाल झील, कि रूसी साइबेरिया में बैकाल झील मिलती है। तो यूक्रेन में नहीं मिलती है, कहाँ पर मिलती है, एशिया में, सॉरी रशिया में मिलती है, साइबेरिया में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, साइबेरिया, रूस के साइबेरिया में मिलती है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन आ जाता है डी। क्लियर, ऑप्शन आ जाता है डी, वेरी गुड। ग्रीश त्यागी, बिल्कुल डी के चक्कर में डी भी दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं 57 क्वेश्चन चलते हैं 57। कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। क्लियर हुआ, कोपेन का क्लासिफिकेशन राजस्थान में पूछ लिया है। कोपेन में अगर हम देखो, कोपेन के क्लासिफिकेशन में हम इन सब की बात करेंगे, एक एक करके सब की बात करते हैं। तो देखो CWG जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ज्यादातर, वो पूरा की पूरा CWG में आ जाता है। क्लियर हुआ, तो CWG में पूर्वी जिले भरतपुर, ऑब्वियस है भरतपुर आ जाएगा। क्लियर, फिर देखते हैं BWHW में कौन कौन से जिले आएंगे, जो ऊपर उत्तर पश्चिमी जिले हैं, उत्तरी जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, ये सभी जिले किस में आ जाते हैं, BWHW में। तो इसका मतलब इसमें बाड़मेर मैंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया है। क्लियर हुआ, फिर बात करते हैं BSHW झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये सभी किस में आ जाते हैं, BSHW में आ जाते हैं। जबकि श्रीगंगानगर जो है वो किस में आ रहा है, BWHW में आ रहा है।
क्लियर हुआ? तो श्रीगंगानगर किस में आ रहा है? BWHW में यहां पर आ रहा है। तो अगर आप लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, सॉरी BSHW में गंगानगर आ रहा है, तो यहां पर अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए सी और डी सही है। कौन कौन सा सही है? ए सी और डी यहां पर ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ? तो ये BWHW जो है बाड़मेर यहां पर नहीं है। क्लियर हुआ? बाड़मेर जो है किसमें आता है? BSHW में आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58। देखो 58 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बोनस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रामीण लिंगानुपात देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है, अगर हम यहां पर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि ग्रामीण लिंगानुपात पाली है, लेकिन जब हम नगरीय लिंगानुपात की बात करेंगे तो टोंक आ जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बैठता नहीं, तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है सी वाला। क्लियर? तो कौन सा आ जाता है? पाली वाला। क्लियर हुआ? तो ये ऑप्शन यहां पर आ जाता है। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं आपको बोनस मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 60। क्लियर हुआ? 60 क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हम यूं नहीं कहेंगे कि इसमें बोनस आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि 60 क्वेश्चंस में हम मिनरल्स की बात करते हैं, ये सारे मिनरल्स जो हैं सभी जगह पर मिल रहे हैं कहीं ना कहीं अगर देखोगे। लेकिन अगर ज्यादातर मात्रा में कौन सा मिनरल कहां पर मिल रहा है तो हम फिर इसमें ऑप्शन में लेंगे मांडो की पाल में फेल्सपार यानी कि डूंगरपुर में मिल रहा है, तो यह ऑप्शन ज्यादा सटीक यहां पर बैठता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं, आप लोग देखेंगे कि साहब एस्बेस्टस जो है वो खेरवाड़ा में मिलता है, बिल्कुल मिलता है ऋषभदेव की ओर, लेकिन ये ऑप्शन यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर मिल रहा है तो वो फेल्सपार मांडो की पाल की ओर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन आ जाता है हमारा टू। क्लियर हुआ? कौन सा आ जाता है? टू। क्लियर हुआ? चलो सॉरी ए एक, हाँ टू आ जाता है ऑप्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 61। क्लियर? 61 देखिए डोडा बेट्टा चोटी। क्लियर? अब डोडा बेट्टा की बात करते हैं। आप लोगों को याद हो तो मैं इंडिया ज्योग्राफी में स्पेशली जब किसी ने पूछा था कि नीलगिरी की चोटी के साथ नीलगिरी की चोटी डोडा बेट्टा है, अन्नामलाई की चोटी अनायमुड़ी है, विंध्याचल श्रेणी की चोटी जो है वो सद्भावना शिखर या गुडविल पीक के नाम से जानी जाती है, सतपुड़ा की श्रेणी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताया था। तो डोडा बेट्टा जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। मैं आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैं मैराथन क्लास कराई थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है जो हम मैराथन कर रहे हैं उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इंडिया ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एक भी बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्लियर हुआ? क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं कि एंकागुआ, एंकागुआ कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर? मेसेटा कहां पर है? यूरोप में है। क्लियर? और गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो सेरेंगेटी मैदान जो है ये एक नेशनल पार्क है अफ्रीका में। क्लियर हुआ? तंजानिया के नॉर्थ में। तो ये इसका आंसर क्या हो गया कि इसका आंसर आप देख लीजिए कि एंकागुआ, इसका आंसर एंकागुआ का क्या आंसर बन रहा है? दक्षिण अमेरिका। अगर आप टिक करते हैं मेसेटा का क्या आंसर बन रहा है? यूरोप। क्लियर? और इसका बन रहा है अफ्रीका। क्लियर? और गिब्सन डेजर्ट यानी कि इसका बन रहा है एक। तो 4-3-2-1 ऑप्शन टू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग 63 में गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो दोस्तों गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र जो है वो नागौर में है। सिंपल क्वेश्चन है, नागौर में है। क्लियर हुआ?
आगे चलो नेक्स्ट 64 क्वेश्चन आपको यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, जब मैंने एशिया पढ़ाया था तो एशिया में कई सारे लोग कह रहे थे सब बहुत डेप्थ चले गए, मैंने अल्टाई माउंटेन, याबले नॉय माउंटेन, खिंगन माउंटेन, मैंने सबके बारे में बताया था। तो ये अल्टाई माउंटेन का पार्ट है यहां पर, आप लोग ये गोरनाया शोरिया जो कि किसके लिए जाना जाता है, कोल रिजर्व के लिए जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब अगर ऑप्शन में देखें योकोहामा जलपोत निर्माण, यस यहां पर योकोहामा में ऐसा होता है लेकिन साइट सीन्स बहुत ज्यादा है यहां पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो बनता है वो गोरनाया शोरिया बनता है। क्लियर? तो यहां पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 65 क्वेश्चन, गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी, इनकी सहायक नदियों के बारे में यहां पर दिया हुआ है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। क्लियर हुआ? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा। महानदी की सहायक नदी जो है वह है शिवनाथ। क्लियर हुआ? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। क्लियर हुआ? और कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो है भवानी, यानी कि एक, दो, तीन, चार, एक। ऑप्शन में देखिए 2, 3, 4, 1, तो आंसर क्या हो गया? 3। क्लियर? आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 66। कौन निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बॉक्साइट, लोहरदगा, झारखंड। क्लियर हुआ? तो लोहरदगा झारखंड, पहले से ही आंसर दिखाई दे रहा है, लोहरदगा झारखंड। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट 67। उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उष्ण पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं? स्वाभाविक सी बात है सिरोही आबू में। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन आराम से बन रहा है सिरोही, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन तो मैडम सीधे सीधे ऑप्शन से आ रहे हैं, ऑप्शन से ही आ रहे हैं सीधे सीधे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 68 पर क्वेश्चन चलते हैं हम, 68। क्लियर? पावागढ़, देखो पावागढ़ दो जगह है, है ना? पावागढ़ एक तो गुजरात में है, ठीक है, और एक कर्नाटक में है। अब पावागढ़ जो गुजरात में है वो एंशियंट प्लेस है जो कि द्वारका का पार्ट हुआ करता था, और ये जो पावागढ़ है ये इसका कर्नाटक का पार्ट है। 1 मार्च 2018 को यहां पर सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई थी शक्ति स्थल के नाम से। तो ये किसके लिए है? सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाएगा? सौर ऊर्जा के लिए जाना जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं तातपानी की। तो तातपानी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये किसके लिए जाना जाएगा? ये भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाएगा। किसके लिए जाना है? मैं आपको yes, लाइटर मोड पे कहना चाहूंगी yes. गलती कर दी, ये ताता पानी है। और ताता पानी है, गरम ताता पानी, गरम पानी मतलब जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑप्शन अपने आप बन रहा है, कहीं पर जाना नहीं है। काकरा पारे के बारे में हम कई बार पढ़ते रहते हैं एटॉमिक। क्लियर? काकरा पावर पारा जो है गुजरात का एटॉमिक पावर प्लांट है। क्लियर? तो ऑप्शन आराम से हो रहा है, आराम से ऑप्शन दिया है कि बिल्कुल एक आता है, दो आता है तो भी बन जाते हैं। बिल्कुल, ये मुपंदल जो है ये तमिलनाडु का है विंड एनर्जी के लिए। आराम से आंसर यहां पर बन रहा है। और अगर इसका आंसर आप लोग देखते हैं तो इसका आंसर आप देखिए सौर ऊर्जा, ठीक है। तो यहां पर आप 2 लगा दीजिए, ऑप्शन देखिए यहां पर तातापानी में भूतापीय, यानी कि आप लोग यहां पर 3 लगा दीजिए, इसी से आपका आंसर जो है तैयार हो जाएगा 2 और 3। जी क्लियर? इसी से आंसर आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 68 के बाद 69 में हम बात करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में भी यहां पर आपको समस्या आने वाली है। जब आप देखोगे तो यहां पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में जो आंसर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, क्योंकि जो इसका दूसरा जो वो है ये वेस्टर्न राजस्थान के लिए तैयार किया गया था, लेकिन एक और है जो कि अजमेर और चित्तौड़ से भी निकलता है। क्लियर हुआ? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अजमेर और चित्तौड़ बीकानेर, ये वाला ऑप्शन यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 70 क्वेश्चन चलिए। क्लियर हुआ? 70 क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि 70 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि फिर वही आंसर सेम स्पष्ट। देखिए आप नागौर सफेद सीमेंट के लिए, उदयपुर सस्ता जी जस्ता के, भीलवाड़ा
वस्त्र उद्योग। आंसर अपने आप हो रहा है, बहुत आसान सवाल, आंसर अपने आप हो रहा है। बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल आंसर सही किया है, चार, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन से आंसर निकल रहा है। क्लियर हुआ? आप फिर चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 81 71 यस, क्वेश्चन नंबर 81 क्लियर। तो 81 में 73 चलिए पहले 73 है ना, 73 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सबको पता है, सबने कर दिया होगा, 72,297 रुपए है, सबने कर दिया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग 81 पर। राजस्थान का मरु त्रिकोण, नहीं लोगों का ना, हो सकता है कि आगे पीछे हो, तो हाँ 10 सेकंड्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गौरव सर का लिखवाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल गौरव सर का, गौरव सर हमारे सामने ही खड़े हुए हैं। गौरव सर यही है, अभी आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा, मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है नोट्स उठा करके देखिए या मैराथन क्लासेस को देख लीजिए, जो रिवीजन क्लासेस चली सब आ रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जो है वो मरु त्रिकोण में आते हैं, बाड़मेर जो है वो मरु त्रिकोण में नहीं आता है। तो ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए 83 ठीक है, 83 क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की पर्वन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, तो बहुउद्देशीय का मतलब तो आप समझ गए, बहुउद्देश्य है जिसके। क्लियर हुआ? अब बहुउद्देश्य में एक से ज्यादा उद्देश्य, पेयजल भी हो सकता है, इरिगेशन भी हो सकता है, राइट। तो अब इसमें कौन कौन से, सिंपल सी बात है, पर्वन, झालावाड़ तो होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो झालावाड़ के साथ कोटा बूंदी और इसमें झालावाड़ के साथ जो है 12 और कोटा साथ में है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे 106 राजस्थान में सौर वेधशाला, आपने बता ही दिया। सर ये दोनों जगह है एक्चुअली, और yes. इस पे बेनिफिट और डाउट जो कैंडिडेट्स को मिलेगा, मुझे लगता है इस बार पिछली बार की तरह ये क्वेश्चन फिर से डिलीट होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये उदयपुर में भी है और जयपुर में, जयपुर में भी है। और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, कुछ ने जयपुर भी डाला है, कुछ ने उदयपुर भी डाला है। सर इट डिजर्व्स टू बी कैंसिल्ड एक्चुअली। बिल्कुल, यहाँ पर बोनस मिलने की पूरी संभावना है। क्लियर हुआ? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 107 ओ, ये तो हम डिस्कस कर लिया सर। जोधपुर। हाँ बिल्कुल सर, हम डिस्कस कर चुके हैं। और बिल्कुल, आप ये बताइए कि सब आपके ही परोपकार हैं सर, और कैंडिडेट बहुत खुश हैं। हम एक्चुअली ये सीक्वेंस 20 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि बिल्कुल 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 तो हाँ, ये पार्ट भी वही है, पार्ट जनरल जीके का पार्ट है बेसिकली, स्टेट ऑफ यस फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो ये जोधपुर ऑप्शन मैम ने आपको बताई दिया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 109 राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता यार। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे ज्यादा क्वेश्चन इजी हो क्या पूछेगा, स्टेट फ्लावर। क्लियर? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चले आगे कहां पर भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? दीपेश सर ने करवाया, मैंने भी करवाया। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप जब करवा रहे थे मैं देख रहा था इसे जी। है ना? और बिल्कुल, और इसके पीछे आपने कुछ और भी बताया था, मुझे याद है जहां तक। मेगावाट की वो थी परियोजना, और इसमें कोटपुतली तहसील में आती है। और मैंने ये भी कहा था कि कुसुम के ना जो तीन वो हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीन सेक्टर्स में जाते हैं, वो किया था। पर बच्चों का टाइम नहीं खराब करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नावी एमजी, नेक्स्ट क्वेश्चन नावी एमजी। क्लियर? 149 नावी एमजी जो है किस्म कह सकते हो, लेकिन वीट सीड है। अब सीड है तो ऑब्वियस है, किस्म तो अपने आप आ ही गया। क्लियर हुआ? तो ये काली गेहूं है, काली गेहूं है, एग्जैक्टली। क्लियर हुआ? नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, नजीम मिकाती। वाह, नजीम मिकाती जो है वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का जो था क्वेश्चन आंसर का पार्ट, जो आपको सारे आंसर्स आपको मिल गए हैं, क्लियर। तो इसमें से देखो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बोनस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, कई सारे में यानी कहीं पर बहुत कम क्वेश्चंस हैं ऐसे, क्लियर। तो अभी आपके सामने जो आप बार बार नाम ले रहे हैं, हमारे गौरव सर कहाँ हैं, तो गौरव सर हमारे समक्ष हैं और गौरव सर आ रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सबका सम्यक पे। और आज का पेपर देखने के बाद में मेरा जो पोर्शन है इकोनॉमी, उसमें तो मेरे को ये लग रहा है कि इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद में इतने सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि हमने स्तरीय तैयारी की लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस लगभग इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए हैं। और जहां तक क्लास नोट्स की बात करूं, जहां तक बताने की बात करूं, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते तो शायद वो क्वेश्चंस कर पाते थे। इतने क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्वेश्चंस सही नहीं थे, मेरी वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। हमारा मार्गदर्शन केवल 10% है, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका धैर्य 90% योगदान देता है आपकी सफलता में। सर मैं एक बात और जोड़ूंगी, जो आपने वो PDF बनाया था ना क्वेश्चंस का, और जो समय के प्लेटफॉर्म पे आया था हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, इनफैक्ट एक मैंने भी मनमोहन सर ने मुझे शेयर किया था 133 क्वेश्चंस का, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मतलब वी आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो ये बताता है कि हम कितने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए और मैम के इतने सारे आशीर्वचनों के लिए। तो चलिए आपको सबको इकोनॉमी के क्वेश्चंस सही करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चंस आते हैं और वो हाँ जी बफरिंग हो रही है, आपसे पहले ही पता चल जाता है हमें, टेक्निकल स्टाफ पूरा अलर्ट है कि बफरिंग हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी दिक्कत है। और खैर, क्वेश्चन नंबर 71 ये हमारी सीरीज में 71 है, आपका कौन सा है। शुरुआत होती है बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी है, फॉर्मूला पूछा है। और मैंने आपको शायद क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी कभी हम सकल से शुद्ध मूल्य की तरफ जाते हैं तो सकल में से कोई ना कोई चीज़ घटती है। अब घटती क्या है, तो उसको हम घिसावट भी कह सकते हैं, उसको हम क्षय भी कह सकते हैं, और शुद्ध हिंदी में बात करें तो मूल्यह्रास की बात उसमें आ सकती है। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम GNP मार्केट प्राइस से घटा दें तो फिर NNP मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, GNP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, सी, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, वर्ष नहीं पूछा गया है, सितंबर 2016 को अनुमति मिली थी केंद्रीय मंत्रिमंडल से, सर एक्वर्थ समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और मैंने आपको क्लास में भी बताया बाकायदा कि वर्ष 2017-18 के बजट को रूपांतरित भारत के बजट की नींव कहा जाता है, जिसमें 3 मुख्य परिवर्तन किए गए थे। तो आप समझ गए होंगे बातों बातों में ही कि वर्ष 2017-18 का वो बजट था जिसमें इसको क्या कर दिया गया था, रेल बजट का विलय कर दिया गया था आम बजट में। तो बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, थोड़ा सा रुक जाइए राजू जी, क्योंकि हमारे हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी, अनप्रिडिक्टेबल इंस्टीट्यूट RPSC, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी सारे क्वेश्चंस का लेवल चेक करने के बाद में आपको जरूर बताएंगे, अंत में क्वेश्चन सर आपके सामने आने वाले हैं, तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है कितनी नहीं है, मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अभी तो हम क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अग्रिम अनुमानों के अनुसार ये हो चुका है, ये राजस्थान की इकोनॉमी से पूछा गया है। 74 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये भूजल स्कीम जो थी, इसमें 50-50% का कंट्रीब्यूशन, 50% किसने किया है, 50% किया है राजस्थान भारत सरकार ने, और 50% का जो सहायता मिली है वो किससे मिली है, विश्व बैंक से। ठीक है, चलिए आपके कमेंट में इतना जल्दी से निकलते जा रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे माफ करें। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसके लिए एक प्राधिकरण है बाकायदा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वो इसमें सब क्या है, मेन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंटिटी है, मेन रेस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको आप करंट का भी कह सकते हैं, इसको आप इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं, तो कौन सा आंसर सही हो गया, 63। ठीक है, पेपर इजी था, बिल्कुल इजी था, इकोनॉमी के पार्ट से तो मैं कहूंगा कि बहुत इजी था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? जब मैंने आपको मानव विकास सूचकांक के साथ वैश्विक खुशहाली सूचकांक बताया था, तो मैंने आपको यह भी कहा था कि इस सारे टॉपिक को रट के चले जाना, क्योंकि ये इस बार के सिलेबस में क्या हुआ है, नया जुड़ा है, और इतना सिंपल सवाल हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, हमने सोचा था कि कथन के आधार पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, बिल्कुल ज्योति, 139। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा है कि बस हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, बस इकोनॉमी की तो शायद इतनी ही है, एक क्वेश्चन और है मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन और है, एक सेकेंड में और चेक कर लेता हूं कि इंडियन इकोनॉमी से कोई और कोई सवाल है क्या, तो उसमें भी देख लेते हैं। हाँ जी, 89 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, गलत हो गया, कोई नहीं, गलत भी हो सकते हैं सर, 200 में से 200 नंबर, 200 में से 200 नहीं लाने हैं, और कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं इससे भी कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिलने वाला है, एक्यूरेसी मैटर्स अलॉट। ठीक है, हाँ जी, राज जी, मुक्ता मैम यहीं खड़ी हैं, आपको पूरा गाइड करेगी बाकायदा, आप अपने कमेंट को दोबारा से बता देना जब मैम आपके सामने आए। राष्ट्रीय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ होता है? आधार वर्ष के तो आरपीसी पीछे ही पड़ा हुआ है, कई बार तो आधार वर्ष पूछ लेता है इंडिया का, कई बार ये मुद्रास्फीति के मापन के लिए राजस्थान का पूछ लेता है, और इस बार आपसे आधार वर्ष का मतलब पूछ लिया। तो आधार वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें हम वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ये अपन क्लास में भी डिस्कस करके आए हैं कि एक तो होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को हम कहते हैं आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी, ना कि आय पर, क्योंकि राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्रीय उत्पादन से होता है, ना कि इनकम से। तो इसमें आंसर सही कौन सा हो गया, 2, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन आ सकता है, बट आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से आप करंट को भी लिंक कर सकते हैं और इकोनॉमी को भी लिंक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा ऐसे कोई टेंशन हो रही है कि हम पता नहीं कितने सही करके आए हैं, कितने गलत करके आए हैं, तो इसके लिए आंसर की आपके साथ लेके आए हैं। जिन स्टूडेंट्स का पास रिजल्ट आएगा 45, जिसको मैं कह सकता हूं कि भाई एम से लेकर और वी तक की सारी वैल्यूज के रिजल्ट, एम से वी तक की सारी वैल्यूज का टोटल रिजल्ट 45 आएगा। एंड हमें चार ग्रुप दे रखे हैं, चार ग्रुपों को यदि देखेंगे तो पहला ग्रुप आता है एम एन पी, सेकेंड ग्रुप आता है पी क्यू आर, थर्ड ग्रुप आता है आर एस टी, एंड फोर्थ ग्रुप आता है मेरे पास टी यू वी, टी यू एंड वी। इन तीनों ग्रुपों को यदि मैं ऐड करता हूं तो 13 को मुझे ऐड करना पड़ेगा 4 times, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 52। अब यदि मैं सेकंड ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप को हटा देता हूं, फर्स्ट ग्रुप का मतलब एम से बी तक की सभी वैल्यूज को हटा देता हूं, तो जो रिपीटिंग वैल्यूज हैं, जैसे पी रिपीट हुआ, आर रिपीट हुआ और वी रिपीट, टी रिपीट हुआ, तो मेरे पास केवल ये तीन वैल्यू बचेंगी, पी 1 times बचेगा, आर 1 times बचेगा और टी 1 times बचेगा, जिसका मेरे पास रिजल्ट आएगा
52 माइनस 45 एंड 7, और यदि मैं 1 to 9 तक के सारे डिजिट्स में से इनकी वैल्यू सबमिट करता हूँ, इनके मान रखता हूँ, तो मेरे पास केवल 3 वैल्यू रखने के लिए रहेंगी, 1, 2 और 4, और इनको पी आर और टी की जगह रखकर हमें टैली करना चाहिए। जब हम इसे टैली करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4। ये सारी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का नहीं है। मैथ्स में कैलकुलेशन से आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर सॉल्व ना करें, सॉल्व की जगह सीधा आंसर बता दें, तो बिल्कुल मैं सीधे आंसर्स पे भी आ जाऊंगा। एक क्वेश्चन बीच में मिस हो गया, ओके 113। माना कूट भाषा में विशेष कोड टाइगर के लिए क्यू डी एफ एच एस की तरह और एम टी आर आई टी के लिए एस एच क्यू डी एल की तरह लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में एफ आर ओ जेड ई एन को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए एक हिंट दे देता हूँ, इसको जो बनाया गया है जैसे टी आई जी ई आर को दिया गया है क्यू डी एफ एच एस, तो इनको इस तरीके से क्रॉस में मिसमैच किया गया है और ऊपर की डिजिट से जस्ट एक वैक में लिया गया है, माइनस वन लिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए यदि अपन वैल्यू को चेक करेंगे तो फ्रोजन के लिए हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, तो फ्रोजन के लिए हमारे पास आंसर आएगा एम डी वाई एन क्यू ई। पिछले क्वेश्चंस का मैंने आंसर टिक नहीं किया, बिल्कुल कर दिया था लास्ट क्वेश्चन का, उसके बाद वाले का आंसर हमारे पास फर्स्ट आया 4, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 4, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैथ्स का। मोस्टली ये क्वेश्चंस आता रहता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को लेकर। यदि 3 साल का डिफरेंस दे रखा है तो इसका एक तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई 3 ईयर के डिफरेंस का यदि अपन फॉर्मूला लिखें तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 183। और यदि इसमें आप आर की वैल्यू सबमिट कर देंगे जो 5% दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास यहां से पी की वैल्यू आएगी 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसके अंदर हमें स्क्वायर काउंट करने हैं कि भाई इसमें स्क्वायर कितने हैं, तो इसका आंसर स्क्वायर काउंट, और आपको स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगुलर भी काउंट करने हैं, आयत और वर्ग दोनों काउंट करने हैं, और आयत और वर्ग यदि दोनों काउंट करेंगे तो इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आएगी 21, ठीक है। तो 21 वर्ग और आयत काउंट करने पर आएंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आयत में कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 12, 6 और 4, इसमें 2 दरवाजे 2x1 के और 2 खिड़कियां 1.5x1 की दे रखी है, दीवार पर रंग करने का खर्चा 15 रुपये की रेट से दिया गया है। देन सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, दीवार पे यदि खर्चा करना है तो दीवार का क्षेत्रफल, और दीवार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × हाइट × लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हमारे पास चारों दीवारों का आ जाएगा और उसमें से दरवाजे और खिड़कियां हमको माइनस करनी पड़ेंगी। यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो ये आएगा 2 × 4 × 12 + 6 = वैल्यू आ जाएगी 144। ये हो जाएगा 12, 6, 18, 18 × 8 करेंगे तो 144। इसमें से यदि 2 दरवाजे मैं माइनस कर दूं 2y1 के तो 4 दरवाजे का माइनस हो जाएगा, और 2 खिड़कियां 1.5 × 1 की मैं माइनस कर देता हूं तो 3 इसका माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल 144 में से माइनस हो जाएगा एरिया 7, वैल्यू रह जाएगी 137, जिसका एट द रेट दे रखा है 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो इससे मल्टीप्लाई करके हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा इसका 2055, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व वाले प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, 5/54। 3 बार यदि आप पासे को फेंकेंगे तो 3 बार पासे को फेंकने की स्थिति में टोटल जो रिजल्ट होते हैं, टोटल रिजल्ट आएंगे 6 × 6 × 6,
और उसमें से ये होता है 216। इसमें से यदि हम कंडीशनल रिजल्ट निकालेंगे, जो उसकी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम रिजल्ट निकालेंगे तो उसके हमारे पास टोटल कंडीशनल रिजल्ट आएंगे 20 और इसका आंसर आ जाएगा 20/216, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/54। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 से 56 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का माध्य क्या होगा। यदि हम 1 से और यहां तक की संख्याओं के बीच की संख्या लेकर माध्य निकालेंगे तो इसका स्टार्ट 12 से होगा, लास्ट 144 होगा। माध्य निकालने का तरीका केवल इतना सा है, जो 156/2 आएगा 78। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दावा किया गया है और दावा के कारणों के अनुसार हमें आंसर ढूंढना है। सही काम करने का सही व्यक्ति, सही काम करने के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। कारण दे रखा है गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। तो क्या स्टेटमेंट के अनुसार जो दावा किया गया है कि भाई सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना है, दावा बिल्कुल सही है और उसके अनुसार उसको वेतन भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये हमारा कारण सही है कि गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व होता है। तो गलत चुना व्यक्ति तो हमेशा गलती के लिए ही होता है, भाई हमारे चुनाव ही गलत हो गया तो इसका मतलब हम त्रुटि में चले गए, तो हमारा जो कारण है वो सही नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ए गलत, ए सही है लेकिन उसका कारण गलत है, ए सही है लेकिन उसका कारण गलत है। ठीक है, तो हमारा दावा सही है लेकिन उसका कारण है जो गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक थैली में 1, 50 और 25 पैसे के सिक्के 25, 9 और 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर आप अनुपात टॉपिक के अनुसार निकाल सकते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, मैं केवल अब आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर 720 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बीरेंद्र राजेंद्र का पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र का संबंध क्या है, तो प्रकाश राजेंद्र का दादा आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बहुत सिंपल सी कंडीशंस होती है, पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट को परसेंटेज बेस्ड दे रखा है। यहाँ पर हमें रॉयल्टी का भुगतान इतने रुपए है प्रिंटिंग पर बताना है, देन रॉयल्टी की वैल्यू दे रखी है 15%। इसका मतलब 15% का वैल्यू गिवेन है 22950 एंड हमसे प्रिंटिंग का 25% की वैल्यू पूछी है। तो आप इसमें परसेंटेज ना लगाकर ओनली इफ एंड देन के आधार पर भी रिजल्ट निकाल सकते हैं और इसका आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 38250। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें वेन आरेख बनाना है, वेन की कंडीशन दे रखी है कि कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल लें, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हैं और बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन नहीं खेलता है। तो इसका मतलब है कि बास्केटबॉल का कुछ का संबंध है किसके साथ, वॉलीबॉल के साथ। ये बास्केटबॉल का वॉलीबॉल के साथ संबंध हो गया, ये हमारा बास्केटबॉल, ये वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन में आ जाएंगे, लेकिन वॉलीबॉल और बैडमिंटन में कोई रिलेशंस नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, कथन दे रखा है, दो पूर्व धारणाएं दे रखी हैं। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। अब ललिता यदि पुस्तक खरीद रही है तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है कि या तो उसको पुस्तकों से विशेष रूप से लगाव है या उसको पढ़ने का शौक है, लेकिन पुस्तकों के संग्रह के बाद भी वह लगातार यदि नई पुस्तक खरीद रही है, इसका मतलब उसको पुस्तकों को कलेक्ट करने का शौक ज़्यादा है। इसका हम दावा नहीं कह सकते कि वह पुस्तकें पढ़ती ही पढ़ती है। इस आधार पर ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी हैं उनमें से प्रत्येक पुस्तक पढ़ती है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके लिए ये अजम्प्ट नहीं कर सकते कि हाँ वो पढ़ेगी पढ़ेगी, लेकिन उसको कलेक्शन का शौक है ये हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर केवल पूर्व धारणा सेकंड सही है। नेक्स्ट आता है, कथन दे रखा है, उसके अनुसार निष्कर्ष है, आजकल माता पिता अपने बच्चों को उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं के कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं।
अच्छी शिक्षण संस्थाओं की फीस देने के लिए तैयार रहते हैं। अब उसके लिए यदि हम निष्कर्ष निकालें तो माता पिता अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है, तो बिल्कुल ये सही बात है कि भाई माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। आजकल सभी माता पिता के पास बहुत पैसा है ये तो संभव नहीं है। माता पिता तो पैसा नहीं होता तब भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन पर पैसा खर्च करते हैं, जैसे आप लोगों पर भी करते होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर केवल फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। नेक्स्ट आता है 6 लड़कियाँ और 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से चयन करें कि कम से कम एक लड़की आए। इसका आंसर होगा 209। चयन की 4 स्टेप बनेंगी। 4 लड़कियों में से 6 में से एक लड़की का चुनाव, 4 में से 3 लड़कों का चुनाव। मैं जनरल कॉम्बिनेशन की टर्म्स लिख रहा हूँ, रिजल्ट आप निकाल लीजिएगा। 6 में से 2 लड़कियों का चुनाव, 4 में से 2 लड़कों का चुनाव, 6 में से 3 लड़कियों का चुनाव, 4 में से 1 लड़के का चुनाव और 6 में से 4 लड़कियों का चुनाव, जबकि 4 में से 0 लड़के का चुनाव, जिसके रिजल्ट यदि आप निकालेंगे तो वो रिजल्ट आपका आएगा 209। सर वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर ये है कि कॉम्बिनेशन बनाने मुश्किल, कॉम्बिनेशन हाँ। थोड़ा सा मुश्किल है। कॉम्बिनेशन के यहाँ पर 4 ग्रुप बनेंगे बिल्कुल। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अब इस पर जो सरकार है उसके अनुसार कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो पहली है, सरकार एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। दूसरा है, सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। तीसरा है, सरकार को सामान्य जनता की सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ते के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। तो देखो, पहले वाली स्थिति तो कारगर होती है, क्योंकि सरकार का काम है कि भाई कोई काम हुआ उस पर क्या कारण आए उसकी पहले जाँच करे और बाद में कोई एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पर सीधा कथन है कि भाई लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसकी जांच आवश्यक है। क्लियर? दूसरा, ये गलत है, डायरेक्टली आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते भाई टैक्स कम कर दो, टैक्स कम करने से कीमत कम हो जाएगी, लेकिन उसके कारणों के अध्ययन के बिना यदि आप सीधा उसको घटा दोगे तो भी आप गलत डिसीजन पे चले जाओगे। सर ये जो कीवर्ड होते हैं तुरंत फट, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से बचना चाहिए बिल्कुल। अधिकारी को एक्सट्रीम से बचना चाहिए कि हमारे पास केवल मात्र एक ही तरीका है या केवल बाड़े वर्ड इस तरह की, और ये सलाह देना भी उचित नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल खरीदने के लिए आवश्यकता के अनुसार आदमी पेट्रोल खरीदता है, वही जरूरत के लिए खरीदता है। तो यहां पर केवल फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन भाई इसका आंसर डाउट में है, ठीक है, क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं इसको ना सॉल्व करूंगा ना इसके लिए कुछ कहूंगा आप लोगों से, इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। जब घड़ी में सुबह 7:45 दिखती है तो मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में संकेत करेगी? तो यह सुई जो संकेत करेगी वह दक्षिण पूर्व की ओर करेगी। क्लियर? आप एक बार बना के देख लीजिएगा फिगर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया गया है कि एक फिगर दे रखा है, डाटा डायग्राम हमें दिया गया है, डाटा डायग्राम के अंदर मेंशन किया गया है आयत त्रिभुज शिक्षक को दिखा रहा है, वृत्त शहरी को दिखा रहा है, वर्ग सरकारी काम वालों को दिखा रहा है और आयत पुरुषों को दिखा रहा है, जिसमें हमसे पूछा गया है शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, तो पुरुष शिक्षित होने चाहिए जो शहरी ना हो, तो शिक्षित पुरुष जो शहरी ना हो ऐसा डाटा केवल 11 है। ठीक है, तो इसका आंसर 11 रहेगा। और ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और आगे आप जल्दी से जल्दी मेंस की तैयारी में जुटें। जिनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, विश्वास है, तो विश्वास वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़े। आई एम सो थैंकफुल सर आप आए और सर आपने इतने अच्छे से क्लियर किया। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो रियली बहुत डिफिकल्ट थे, मेरे को भी समझने में जोर आ रहा था, मैं खड़े खड़े समझने की कोशिश कर रही थी, बट यस कट ऑफ प्लीज कैसे बताया जाएगा कट ऑफ, इसके लिए एक पोल करवा लेंगे, आप चिंतित मत हो दीपशिखा जी, हम पोल करवा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब तक हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप प्लीज देख लीजिए आप कितने ठीक हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। मेरे भी साउंड पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं।
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन की. ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन जो इसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने की मेरे साथ शेयर की है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या क्वेश्चंस और क्या आंसर्स हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं. तो जैन धर्म के सिद्धांत आएंगे इसमें ऑप्शन वन और फोर, एक और चार, यानी एकांतवाद और स्यायवाद. ये दोनों ही वाद जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं. वन थ्री वन, ओके ग्रेट सर. कौशल सर ने कहा है कि 131 से करते हैं. ओ लवली, फिर तो सर बहुत ही अच्छी बात है. सब्जेक्ट एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठा है, और सब मेंस में भी रिलेवेंस की बात करेंगे. हम सर ने जैसे आदेश किया है कि हम क्वेश्चन नंबर 131 से आते हैं जहाँ करंट अफेयर्स हैं, और करंट अफेयर्स मुझे भी बहुत पसंद हैं. क्वेश्चन नंबर 131 में है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे दिया गया था. चूँकि ये हमारे भारत रत्न विजेता श्री सीएनआर राव जी हैं जिनको अवार्ड दिया गया और बहुत चर्चा में भी रहे, तो इसका जो आंसर है वो है प्रोफेसर सीएनआर राव या डॉक्टर सीएनआर राव, आप किन्हीं भी नाम से इनको संबोधित कर सकते हैं. इनके नाम के आगे मुझे तो भारत रत्न लगाना भी पसंद है. क्वेश्चन नंबर 132 है नेक्स्ट, मार्च 2021 में भारत ने निम्नांकित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में एक MOU किया. स्टोरी ये है तो किसके साथ किया, वो बांग्लादेश के साथ में किया था. आप मुझे यकीन आप पहुंच गए होंगे करंट अफेयर्स तक. हाँ आप कर रहे हैं, ग्रेट. नेक्स्ट करते हैं. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं. तो इनके पुस्तक के लेखक हैं जेफ्री श्लोसर. मेरे जो की मैं जिसको रेफर कर रही हूँ उसमें ऑप्शन नंबर 1 है. आप प्लीज़ अपने आंसर्स को देख करके जेफ्री श्लोसर को करेक्ट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है. तो ये संविधान संशोधन है 105वां. ये तो मोस्ट रिसेंट का ही क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आते रहते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं तुलसीराम जी. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया, इस ऐप का नाम क्या है. इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप. अब अकॉर्डिंग टू योर की आप देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन पढ़ के सुना रही हूँ आपको. यह है माई बुक लो ऐप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन हैं. तो यह है श्री भंवर सिंह सामोर. ऑप्शन 4 है इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, श्री भंवर सिंह सामोर. अगला क्वेश्चन टिक करते हैं, 137, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ कब से. तो ये डेट्स जैसे हम हमेशा बात करते हैं, आरपीएससी का फेवरेट कंटेंट होता है, 18 दिसंबर 2019 को जो करंट गवर्नमेंट है उसकी एनिवर्सरी थी उस पे किया गया था. सो इट वॉज 18 दिसंबर 2019 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू किया गया था. अगला क्वेश्चन है, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो, इसको प्रवर्तित किया गया किसके द्वारा, यानी कौन एनफोर्समेंट एजेंसी है इसके लिए. तो ये जो एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड रीको, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और रीको के द्वारा. वैसे भी ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि अगर आप निर्यातक बनेंगे तो किस कौन सा आएगा, उद्योग विभाग आना ही चाहिए, और उद्योग को सपोर्ट कौन देता है, रीको. तो जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी अपने स्वविवेक से ऑप्शन 4 करना चाहिए, उद्योग विभाग और रीको. क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे, ठीक है आपके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, साथ साथ में मैम ने पढ़ाया था, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वाई धोलावीरा वॉज फेमस और इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली, यानी धोलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था. तो ये हमने डिस्कस किया था, ये इसलिए था क्योंकि अब बताइए ज़रा, वर्ल्ड हेरिटेज, एब्सोल्युटली करेक्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था, इसकी वजह से ये फेमस था. अगला सवाल है, निम्नलिखित में से टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता कौन कौन रहे, दिए गए कोट के अनुसार चुनाव कीजिए. तो मेरे ख्याल से तो बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, इतने ही थे जितने मेरे ख्याल 7 ही लोग तो जीत करके आए थे, तो सभी के नाम हमको याद थे. तो इनमें से ऑप्शन आएगा ए एवं डी, रवि कुमार दहिया जी और मीराबाई चानू.
रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। इसके हिसाब से आपके में जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन इस यहाँ है टू, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन से खिलाड़ी ने भारत का ध्वज को लेकर के ध्वजवाहक बने। तो ये तो हमारी आन बान शान अवनी लेखरा जी, बहुत शानदार काम किया पैरालंपिक में, उन्होंने दो मेडल एक साथ एक ही इवेंट में जीते, वंडरफुल, कुडोज, सलाम है उनको। अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर जो भी। अब हमें ये करना है कि मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, इनफैक्ट सर ने भी करवाया था कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि किसने कौन सा गेम खेला, एंड इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आरपीसी के फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो है भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया, निषाद कुमार जो बी हैं उन्होंने ऊँची कूद में, देवेंद्र झाझड़े जी भाला फेंक में, और हरविंदर सिंह जो है ऑप्शन सी के साथ में वो मैच होता है वन, तो दैट इज तीरंदाजी। तो आपने शायद मैच कर लिया होगा, इस पर्टिकुलर की में ऑप्शन है ए थ्री से, बी फोर से और सी वन से मैच होता है, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। तो ये कोई बात नहीं, आई होप यहाँ तक आपका ठीक होगा। एब्सोल्युटली निकिता जी, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, देवेंद्र जय, बिल्कुल यही तो इस पेपर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है ना तो भी आप उसको करेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपने गिने आप कितने अभी तक ठीक हुए, जल्दी से बताइए कितने ठीक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए वी आर टीम लगी हुई ढूंढ रहे हैं, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 144, दैट इज निम्नलिखित में से टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से किसने स्थान प्राप्त किया। तो इसमें ऑप्शन आएगा थ्री, दैट इज ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी जी और अदार पुनावाला जी। ये तो हमने डिस्कस किया था और यहाँ बताया भी गया था, ए बी एंड सी आर करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली ने किस देश को हरा करके UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि आरपीसी के फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जीता तो कोई नाम बता दे कि ये जीता, लेकिन किसको हरा के जीता, तो किसको हरा के जीता, ये इंग्लैंड को हरा करके जीते। आई एम श्योर अब आप आरपीसी की नब्ज पहचानने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। अब जिनको नहीं आता है ना वो भी क्या सोचेंगे, मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ ये देखोगे ना, खाद्य और कृषि संगठन FAO इटली में जो है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो दोनों के द्वारा कलेक्टिवली की जाएगी तो सही हो जाएगा, और यही तो दोनों सबसे इन्फ्लुएंशियल बॉडीज हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू, FAO एंड WFP दोनों के द्वारा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र संयोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया। ये तो हमने किया था, ये सर ने भी बता दिया है, भालोजी ग्राम कोटपुतली में, इट वाज मच एक्सपेक्टेड। अगला क्वेश्चन है, चीन का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, सॉरी ये थियानवेन वन क्या है, थियानवेन वन, थियानवेन आप जानते हैं वो एक चौक है जो कि फेमस था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये क्या है। तो ये चीन का स्पेस क्राफ्ट है या चीन का अंतरिक्ष यान है, स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना, इट इज टू, चीन का स्पेस क्राफ्ट। इसी के साथ हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 149 जो सर ने करवा दिया था, नाभी एमजी क्या है, काले गेहूं की किस्म का नाम है, और नजीब मिकाती कौन है, ये भी सर ने करवा दिया, लेबनान के प्रधानमंत्री। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ 150 क्वेश्चंस, वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेक्शन जो कि कौशल सर भी करवाएंगे, और हिस्ट्री के लिए हमारे पास में हमारे फेवरेट सर ज्वाइन करने वाले हैं, भालो जी आपकी वजह से सही हुआ, अरे थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं है आपने याद किया इसलिए फेमस हुआ, आपका सही हुआ, 22 क्वेश्चंस ओनली, ऐसा नहीं है, मेरिट बताएं, मेरिट तो 200 की रहेगी समझो आप, कट ऑफ की बात हो सकती है, कट ऑफ के लिए सबसे सही रहेगा कि हम एक पोल करवाएं,
थैंक्स टू टीचर्स, ऑफ कोर्स वी शुड ऑल थैंक्स टू टीचर्स. मेरिट बताइए, मेरिट बताइए. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे 74 लास्ट टाइम कट ऑफ थी, तो इस बार थोड़ी हायर रहनी चाहिए. 85 प्लस माइनस 2 मस्ट बी द कट ऑफ विच इज आई एक्सपेक्ट. 96 इज द राइट, 75 कट ऑफ रहेगी नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है. हालांकि जयपुर का भी लेटेस्ट फिगर बताती हूँ आपको. जब मैं यहाँ आ रही थी तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक डाला कि 53% अटेंडेंस रही. आपके यहाँ कितनी अटेंडेंस थी, आपके सेंटर्स पे कैसी अटेंडेंस थी, रूम में कितने लोग थे? इस बार फीमेल्स भी पता है बहुत हद तक पास रहेंगे. क्यों? क्योंकि काफ़ी मेल जो है कैंडिडेट वो सफ़र नहीं कर पाए, दूसरी जगहों पर उनका सेंटर दे दिया गया था, कुछ लोग जिनकी तैयारी ठीक नहीं थी. मैं इस दौरान इस बीच में जब तक सर ज्वाइन करते हैं, मैं आपको एक बात और बता सकती हूँ कि अब वो जो कि सेफली सेल कर रहे हैं वो क्या करें. आज तो थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप को पार्टी दो, सीरियसली बाहर खाना खाओ, मज़े करो, सफ़र करके वापस घर आओ. कल से शुरू करो, कल बहुत सुंदर दिन है, माँ सरस्वती की आराधना करो और मेंस की तैयारी में जुड़ जाओ. किस तरीके से जुटना है, सिलेबस को देखिए, आपके पास जो कंटेंट है उसको देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए. मेरा सिर्फ और सिर्फ यही इंसिस्टेंस रहता है कि प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए. सरोज जी कह रहे हैं थैंक यू सारे टीचर्स को जिन्होंने आपको पढ़ाया. मेरे 5 सही बन रहे हैं मेरी वजह से, ओ थैंक यू. ड्यूटी के बाद में भी हाँ ऑफकोर्स, उसमें फिर आपको मैं इवनिंग में लाइव क्लासेस ले पाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं मॉर्निंग 5 से जब ज्वाइनिंग आती है कैंडिडेट्स की तो इट्स अ रेजिडेंशियल ट्रेनिंग. सो मॉर्निंग 5 पीटी से शुरू होता है शेड्यूल और नाइट तक बैक टू बैक रहता है. 8 o'clock के बाद में आई कैन ज्वाइन यू. आपकी पार्टी बाकी है, सर्टनली आप सेलेक्ट होइए, यहाँ आइए सम्यक में, वी विल डू इट. सो कौशल सर, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टीचर टू ज्वाइन इन. तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस करवा सकती हूँ यदि आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि आंसर्स तो रेडी हैं हमारे पास में, टीम ने आंसर भेज दिए हैं और टीम बहुत वंडरफुल है. पॉलिटी क्वेश्चंस इस बार बहुत आसान आए हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग कि पॉलिटी पिछली बार की तरह टफ रहेगी. 78 सही है अनिल कुमार जी, ग्रेट, इट्स वंडरफुल. 75 महाल म्यूजिक के. मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप ऐसे कैसे नाम रखते हैं, चिकन फ्राई, निक शर्मा, आपको अपना नाम बताने में शर्म आती है? ऐसा मत कीजिए प्लीज़. एक कह रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे उससे, थैंक यू अगर आपको हेल्प कर पाई. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको. मून रोवर मिशन है, डिम्पल जी बोल रहे हैं मून रोवर मिशन है. नहीं नहीं, ये एक सौभाग्य होता है कि आप किसी की हेल्प कर पाते हैं. कौन सा सेक्शन बच गया है सर? राजस्थान ज्योग्राफी बच गया है, ये तो सर ने करवा दिया. कोपन का सर आ गए हैं, ग्रेट. 93 इंटरपोलर मिशन है, 98 सही है, 138 से सही. नहीं मैं आपको ना और टिल दैट टाइम सर ज्वाइन करते हैं, मैं तो वो बात करती हूँ जो आपके और मेरे लेवल की है. तैयारी क्या करनी है ना प्यारे छोटे भाइयों बहनों, ड्यूटी के बाद में भी साथ रहूँगी आपके. आप क्या करो, पहले तो आज को छोड़ दो, कल, कल प्लीज़ सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना करना कि याकुन देंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, वो आपको ज्ञान देंगी. और जब माँ की आराधना कर लो उसके बाद में अपने कंटेंट जो कि प्री का है उसको फेंक देना. कंटेंट जो सिर्फ प्री का है, ओनली प्री का जो कंटेंट है ना, उसको एक्सक्लूड कर दो. यानी कल छटाई का काम करना, सफाई का काम करना, और मेंस के हिसाब से अपने कंटेंट को देखो कि आपके पास में कैसा कंटेंट अवेलेबल है. यदि मेंस में आपने हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करनी शुरू नहीं की है तो प्लीज़, हाँ TSP की मेरिट अलग से आएगी, डोंट वरी. तो आप मेंस के लिए पेपर 4 की तैयारी अभी से शुरू कर दो. ये मेरी जीत का मंत्र था और ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि पेपर 4 को छोड़ना नहीं है. ठीक है, कल से पेपर 4 स्टार्ट हो जाना चाहिए. सर आ गए हैं, सर प्रणाम सर आपको. अब मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मैं मेरी बात तो पूरी करूंगी. दूसरा, प्लीज़ मेंस के लिए आप ऑथेंटिक बुक्स को रेफर करना शुरू कर दो. जिनको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है सम्यक आ जाओ, और जिनको लगता है कि आ नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो. मेन स्पेसिफिक बैच 1-2 दिन में ही आ जाएगा, वो कौशल सर अनाउंस करेंगे क्योंकि ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड ऑन दीज मैटर्स. पर 1 दिन भी वेस्ट नहीं करना, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है. भूदेव सर आ गए हैं और बच्चों की जिज्ञासा सर बढ़ती चली जा रही है.
मैं आपके यही हूँ, मैं आपके सारे क्वेश्चन करवा के जाऊंगी सर, प्लीज भूदेव सर काइंडली। सर कौन से क्वेश्चन से शुरू करेंगे सर? आपका पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें भी लगे हुए सर, जो भी आपका पेपर है खोल लीजिए सर। ये मैंने कोशिश की थी स्टूडेंट्स को बताने की, थोड़ा मुझे भी याद था कि अनेकांतवाद और स्यायवाद थे, और ये सर मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इस पे दो नंबर का सवाल तो डगर सीधे बनता है। देखिए इतिहास के स्तरीय प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं, ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट में पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन। देखिए अगर सीधे ही मैं आंसरिंग की ही बात करता हूँ इसमें, कि पहला ही प्रश्न हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो एक तो अनेकांतवाद का सिद्धांत है और एक स्यादवाद का सिद्धांत है। ये बाकी के जो दो सिद्धांत हैं सर्वास्तिवाद और शून्यवाद, ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, इसलिए आंसर इसका एक और चार हो जाता है। आंसर कौन सा हो जाता है? एक और चार। दूसरा देखिए, बयाना दुर्ग में स्थित बरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? राजस्थान के, अगर राजस्थान में पहला विजय स्तंभ अगर देखा जाए तो वो आपके समुद्रगुप्त के काल का आपके कहां पर है? विजय मंदिरगढ़ दुर्ग में आपके, तो गुप्त काल से संबंधित कौन सा विजय स्तंभ है बयाना के दुर्ग में, जैसे बाणासुर के किले में भी आपके कहा जाता है। तीसरा कहां से बढ़ेंगे क्वेश्चन? तीसरा बढ़ा दे। देखिए मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नामक यक्ष, ठीक है, यक्ष यक्षणियों की प्रतिमाएं आपके मौर्य काल में लोक कला का आपके विशेष उदाहरण है, जिनमें जो मणिभद्र की जो यक्ष नामक आपके पुत्र मूर्ति है, ये आपके परखम जो मथुरा के पास है यहां से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? परखम से प्राप्त हुई है, जो मथुरा के पास है, मथुरा परखम मथुरा से आपके मणिभद्र की मुद्रा जो मूर्ति है ये आपके प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपके देखिए, राजस्थान समाचार, राजस्थान से ही आपके एक प्रश्न पूछा गया है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से आपके और कब प्रकाशित होता था? जो समाचार पत्रों का इतिहास आपके यहां पर दे रखा है राजस्थान के अंतर्गत, तो इसमें आपके मजहरुल सरूर नामक जो समाचार पत्र है ये भरतपुर से 1849 ईस्वी में जारी किया गया था। कहां से? भरतपुर से आपके 1849 ईस्वी में मजहरुल सरूर नामक समाचार पत्र है ये जारी किया गया। नेक्स्ट आपके देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, राजस्थान के लोक वाद्यों से संबंधित प्रश्न दिया है। साधारणतः आपके पहले ये कौन सा लोक वाद्य सुसिर है अवनद है ये पूछा जाता था, लेकिन इस बार आपके कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित आपके कौन सा कलाकार विशिष्ट है इसको आपके पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा, भपंग है, भपंग को आपके भपंग वादन से कौन जुड़े हुए हैं? जहूर खां मेवाती आपके किससे जुड़े हुए हैं? भपंग वादन से। कर्णा भील का संबंध आपके किससे है? नड़वादन से है। कर्णा भील का संबंध किससे है? नड़वादन से है। देखिए रामनाथ चौधरी को अभी आपके पूछा ही गया था, रामनाथ चौधरी को अभी पटवार एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आपके किससे? अलगोजा के वादन से संबंधित हैं। और खड़ताल वादन से आपके कौन हैं? सद्दीक खां। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? 2341। ये आपके किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया है आपके इसमें आंसर। तो हमारा जो लोकवाद्य और वाद्यंत्र को बजाने वाले जो कलाकार हैं उनमें आपके किसका नाम आया? भपंग वादन में जहूर खां मेवाती, नड़ में आपके कर्णा भील, अलगोजा में रामनाथ चौधरी और खड़ताल में आपके सद्दीक खां मांगड़ियार का नाम यहां पर आता है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, प्रश्न दिया गया है जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आपके कि कौन सा तीर्थंकर और उनका संज्ञान आपके कौन से पशु से, आपके किस आपके पशु से दिया गया है? तो यहां पर ये देखिएगा कि जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ का संबंध आपके किससे दे रखा है कि भाई सर्प से है, तो तीन आपके कौन सा हो जाएगा? पार्श्वनाथ का आपके सर्प से हो जाएगा। आदिनाथ का संबंध आपके किससे दे रखा है? तो वृषभ से। आदिनाथ का संबंध किससे है? वृषभ से। महावीर का संबंध आपके किससे है? सिंह से है। महावीर का संबंध आपके किससे हो गया? सिंह से। और आपके शांतिनाथ का संबंध किससे हो गया? हिरण से हो गया। तो ये आपके 3-1-2-4।
हमारा आंसर आपके कौन सा हो जाता है इसमें, 3, 1, 2, 4 आपके आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर स्थित है, कि बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहां स्थित है, बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपके कुछ षड्यंत्र केस दिए हुए हैं, जो क्रांतिकारी मूवमेंट जो आपके भारत में राष्ट्रवाद का उदय दिया था, राष्ट्रवाद के उदय में आपके क्रांतिकारी मूवमेंट की एक धारा आपके जो चल रही थी, उस धारा के अंतर्गत आपके हावड़ा षड्यंत्र केस है। हावड़ा षड्यंत्र केस जो आपके 1910 ईस्वी में होता है, कब होता है, 1910 ईस्वी में, और जतींद्रनाथ मुखर्जी का इसके साथ आपके संबंध है। किसके साथ संबंध है, जतींद्रनाथ मुखर्जी का। लाहौर षड्यंत्र केस है जो 1929 ईस्वी में हुआ है, और इस लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से आपके जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़ा हुआ है। तो आपके यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, चौथा हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस जो 1912 का है, हार्डिंग बमकांड से संबंधित है, ठीक है, इससे आपके जुड़े हुए मास्टर अमीरचंद, मास्टर अमीरचंद। तो एक आपके कौन से हो जाएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में, और अलीपुर षड्यंत्र केस जो मणिक तल्ला का बम कारखाना है उस पर छापा मारने से संबंधित आपके जो हैं वो आपके अरविंदो घोष हैं। यहां पर आपके कौन हैं, अरविंदो घोष। तो आपके जो 1908 ईस्वी का आपके कौन सा केस है, अलीपुर षड्यंत्र केस है। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 हमारा आंसर आपके कौन सा हो गया, इसमें चौथा आंसर हो गया। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 आपके किसके हैं, ये हमारे षड्यंत्र केस से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, तो इस पर बात करूं, इससे बात कर लो लड़के से। देखिएगा, नेक्स्ट हमको प्रश्न दे रखा है यहां पर कि एक पुस्तकें आपके सुमेलित करवाई हैं। क्या सुमेलित करवाई है हमसे, पुस्तकें। तो देखिए, नागदमन सयाजी झूला की पुस्तक है। नागदमन किसकी पुस्तक है, सयाजी झूला की, बिल्कुल सही है। रणमल छंद श्रीधर व्यास की सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की सही है। लेकिन जो नेह तरंग नामक पुस्तक है ये बुद्ध सिंह की है। किसकी है ये, बुद्ध सिंह की। तो हमारा आंसर आपके कौन सा हो गया इसमें, नेह तरंग। नेह तरंग यानी आंसर के रूप में हम देखें तो आपके कौन सा हो जाता है हमारा, ए। तो चौथा आंसर हो जाता है इसमें, कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके देखिए, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुबरी ने अपने द्वारा बनवाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही आपके गहराई से दिया गया है, इसलिए इसके क्वेश्चन को मैं आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई आपके कहां से है। तो इसको आप अभी स्टार लगा सकते हैं, इसको जैसे ही इसका आंसर मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा, जोधपुर नरेश मानसिंह जी की रानी भटियाणी। हालांकि आपके कुछ लोग महामंदिर भी बता रहे हैं, इसमें कुछ आपके तीजाजी का आपके मंदिर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, राजस्थान के रीति रिवाजों में आड़ो क्या है। आड़ो आपके आगमन को बोला जाता है, यानी कि दूल्हा के साथ आपके ससुराल में जब आपके स्त्री को भेजा जाता है विवाह के पश्चात, तो वो आपके क्या कहलाता है, आड़ो कहलाता है। क्या कहलाता है, आड़ो। नेक्स्ट आपके देखिएगा, उस क्रांतिकारी महिला का नाम जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया है और 30 में और 32 के सत्यवग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल में गई हैं, कौन सी हैं, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी जी की आपके पत्नी हैं, अंजना देवी चौधरी, उनके द्वारा आपके किसमें, बिजोलिया किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया गया था, बेंगू किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया गया था। नेक्स्ट आपके सही सुमेलित कीजिए। देखिए, गागरौन का युद्ध है, कब होता है आपके, 1519 ईस्वी में। सारंगपुर का 1437 में, सुमेल का आपके 1544 ईस्वी में, और साहेबा का युद्ध 1541 में। तो आप लगा सकते हैं कौन सा आपके आंसर हो गया, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करवा रहा है। तो आपके देखिए, साहेबा का युद्ध आपके यानी कि एक, यहां पर आपके कौन सा हो गया, एक, यहां पर कौन सा हो गया, दो, और यहां कौन सा हो गया, तीन, और यहां पर कौन सा है, चार। तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4
हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनक लता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह ना करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? कनक लता बरुआ का संबंध आपके आसाम से है, कहां से है? आसाम से। और आसाम में आपके जगह कौन सी है? गोहपुर। गोहपुर से आपके कनक लता बरुआ का संबंध है, जहां पर आपके इनकी आदमकद प्रतिमा भी आपके 2011 में स्थापित की गई है। तो देखिए, करंट अफेयर्स से जोड़ करके इसको पूछ लिया है, आदमकद प्रतिमा इनकी आपके 2011 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ये जसरापुर खेतड़ी, खेतड़ी ना होकर के ये आपकी कहां की है? बाड़मेर की है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नहीं है पूछा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी वाला, क्योंकि आपके ये कहां पर? बाड़मेर में पली बढ़ी है, ठीक है ना। रावतसर बाड़मेर में आपके पली बढ़ी है और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई है? जमशेद जी टाटा के प्रयासों से 1909 ईस्वी में आपके सीएसआईआर की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कराईकुड़ी तमिलनाडु में 1953 ईस्वी में की गई है। कराईकुड़ी तमिलनाडु में 1953 ईस्वी में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न दिया है, इस बार स्पेशलाइज किया था विजयनगर साम्राज्य को। तो देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल सही है। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ लिखा है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, आंध्र प्रताम है के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। उनके दरबार में अल्लासानी पेडना नामक एक राजकवि, क्योंकि इनके दरबार में अष्ट दिग्गज निवास करते थे जो 8 तेलुगु विद्वान थे, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखनी है आपको कि इतना सा नहीं पढ़ना है इसको, यहां यह देखना है कि संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के जानकार थे, जबकि ये कौन सी भाषा के थे? तेलुगु। कौन सी भाषा के थे? ये तेलुगु। तो हमारा ये आपके गलत हो जाएगा इसमें, तो कौन से हो जाएंगे? केवल दो ही सही हो जाएंगे, केवल एक और दो ही कथन क्या है? सही है, ठीक है ना। तेलुगु भाषा के कवि थे अल्लासानी पेड्डन। नेक्स्ट आपके देखिएगा, राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना की स्थापना आज के अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बखनाजी संतदास जी जगन्नाथ जी माधोदास जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये आपके दादू संप्रदाय से संबंधित हैं। ये संत आपके किस संप्रदाय से संबंधित हैं? दादू संप्रदाय से। नेक्स्ट, टोटी नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी नामक आभूषण कहां का है? कि भाई कान का आभूषण है। टोटी आभूषण आपके कहां का है? कान का आभूषण है। देखिए, ये वैदिक काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपको कि भाई वैदिक काल में कौन कौन से सुमेलित हैं, वैदिक काल में कौन कौन से सुमेलित हैं। तो देखिए, व्रीही किसको कहा गया है? कि चावल को कहा गया है। मुदक किसको कहा गया है? मूंग को कहा गया है। यव किसको कहा गया है? कि जौ को कहा गया है। और इच्छु आपके गन्ने को कहा गया है, ठीक है। तो आपके देखिए, व्रीही में आपके कौन सा हो गया? चावल। मुदक में कौन सा हो गया? मूंग। यम में आपके कौन सा हो गया? जौ। और इच्छु आपके कौन सा हो गया? गन्ना। तो हमारा आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? दो, यानी कि दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, ठीक है। दो तीन चार एक हमारा आपके क्या है इसमें? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने वाली करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीर से लिंगम पुंतलू के द्वारा की गई है। वीर से लिंगम पुंतलू के द्वारा आपके आंध्र प्रदेश में इस संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपके देखिए, के सूची को आपके त्योहारों से सुमेलित करवाया है कि कौन सा त्योहार आपके कब मनाया जाता है? तो देखिए, बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। होली आपके कब है? कि भाई फाल्गुन पूर्णिमा को।
फाल्गुन पूर्णिमा को आपके क्या है, होली। भाद्रपद माह में आपके कौन सा है, पर्युषण त्योहार, जो जैनों का त्योहार है वो आपके कब मनाया जाता है, भाद्रपद माह में। और गणगौर आपके कब मनाई जाती है, चैत्र माह में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि आपके सभी सुमेलित हैं यहां पर, 1, 2, 3, 4, चौथा ही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट आपके देखिएगा, एक आहड़ सभ्यता से, राजस्थान की सभ्यताओं से प्रश्न दिया है। आहड़ निवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। तांबे की भट्टी मिली है आपके वहां से। लोग चावल से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चावल से परिचित नहीं थे ये, जबकि ये चावल से परिचित थे, ठीक है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहां से कालेलाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, कालेलाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मैडम बात कर लीजिएगा इसे, कालेलाल मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। बिल्कुल आपके सही है। तो हमारे आपके ए सी और डी, ए सी और डी, यही आपके सही है, ठीक है ना। तो तीसरा आंसर हमारा सही हो जाता है आपके आहड़ सभ्यता के बारे में। यहां पर ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये चावल से परिचित थे। नेक्स्ट आपके देखिएगा, हाँ यहां पर आपके देखिए, हमारे ये 25 क्वेश्चन हमें किससे पूछे गए हैं, ये 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान के इतिहास से पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपके स्तरीय प्रश्न यहां पर देखने को मिले हैं हमें इस बार। अच्छी बात यह है कि एक एक्सपर्ट ने अभी भी आपको एक जवाब दिया है, वो वाला जो जोधपुर वाला भी हमारा डाउट था ना। हाँ, कौन सा है सर, हम सर अभी हम एक बात कर रहे थे कि वो था ना जोधपुर की रानी भटियानी ने वो उसको किया, तो उसका आंसर आपके पास में एक बार आ गया, आप देख लीजिएगा। देखिए एक हमने आपके जोधपुर के नरेश की जोधपुर नरेश की रानी भटियानी उस ये वाला, इससे रिलेटेड एक आंसर आपके पास में एक एक्सपर्ट ने अभी भेजा, आप देखिएगा। तब तक सर आपकी मतलब नॉलेज को सलाम, आपकी इस आपने इतनी जल्दी रिसर्च की और आंसर्स निकाल के लाए, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। सीरियसली ये क्वेश्चन ढूंढने तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, मैंने भी नेट बहुत सर्च करने की कोशिश की, पर सीरियसली आपको बहुत नॉलेज है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सर ने कितने अच्छे से समझाया है आपको कि ये कौन सा आंसर क्यों है। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगले साल अगली बार एग्ज़ाम देंगे, और इस बार तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीरियल वाइज स्टैटिस्टिकली एग्ज़ाम, यानी हर एक साल में एग्ज़ाम हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कौन से बचे हुए हैं। हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, हमने साइंस कर लिया, हमने मैथ्स एंड रीजनिंग कर लिया, हमने ज्योग्राफी कर लिया, क्या बचा है, सिर्फ आदरणीय कौशल सर का सेक्शन बचा हुआ है पॉलिटी से रिलेटेड। तो और कौशल सर आ गए हैं, नमस्कार सर। योगेश सर भी आ गए हैं, सर नमस्कार। तो मतलब टीम में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज अ जेम। वंडरफुल कौशल सर, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, और उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत शानदार हुआ होगा। सर हमारे पॉलिटी वाले क्वेश्चन मैं और योगेश जी आपको अभी करवाने वाले हैं, और योगेश जी मेरे साथ हैं, मेरे साथी सहवाग पाठी, और हम लोगों ने अभी क्विक रिवीजन क्लास भी योगेश जी की करवाई थी, और वहां आपने क्वालिटी पूरी देख चुके थे आप अच्छी तरह से। आने वाले टाइम में मेंस में भी हम पूरा पॉलिटी और आईआर का सेक्शन करवाएंगे और ढंग से करवाएंगे। अब शुरू करते हैं, निकाल दिया कि अब 26वां क्वेश्चन निकालो भैया, 26th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे हैं कि इतने सरल हैं कि बताओ आपके मामा का नाम क्या है, और कुछ ऐसे पूछ लिए कि बताओ मेरे मामा का नाम क्या है। तो आपको उलझाने के लिए कई काम किए और लैंग्वेज में भी किया है। 26वां क्वेश्चन योगेश जी, है राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। इसका मतलब यह कि स्वीकृत कर चुके हैं संशोधन संकल्प को, उसके बाद की क्या स्थिति होगी, और उत्साधन यानी समापन, उत्साधन समापन है, एबोलिश जो के है समाप्ति के लिए है, विधान परिषद का समापन हो सकता है, सृजन भी हो सकता है, उत्साधन भी हो सकता है। तो इनमें जो उत्तर है उसमें केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरूपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, यह सही आंसर है इसका।
डिस्कस के लिए हम दोबारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अलग से आ जाएंगे। आज चूंकि आप उतावले हैं उत्तर जानने के लिए, तो आज हम ये उत्तर ही आप देखते हैं कि आप बहुत उतावले हैं। आगे बढ़े 27वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचान है सर। इसमें जो सेकंड नंबर है, क्योंकि पहला तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 आता है, और जो थर्ड वाला है वो आर्टिकल 48 आ जाता है, और फोर वाला जो है वो आर्टिकल 39A कैपिटल ए, ठीक है। तो इसमें पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39, जिसके 6 सेक्शन है। तो आर्टिकल 39 का जो चौथा सेक्शन है आर्टिकल 39 सेक्शन डी, वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। वो कराते हैं, तो बड़े आसान से हैं, वही है जैसे आपको मेरे मामा का नाम बता वही वाला पूछा है आपसे, और ठीक है ये भी आपको पता होगा कृषि पशुपालन 48 है, ये 39A कैपिटल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसका उत्तर जो हुआ सेकंड वाला। नेक्स्ट, क्लास में बताया था, हाँ क्लास के तो सारे मिल जाएंगे, आगे बढ़ो। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं कि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ने की सलाह देते हैं कि छोड़ देना, तुक्का मत लगाना, बेतुके क्वेश्चन। ये हमें भी कई प्रयासों के बाद पता लगा है, डायरेक्ट मुझे भी नहीं पता था कि ये कौन है, अगर मैं भी होता तो मैं छोड़ के आता है, इसको पूछने के बाद पता लगा है कि ये जस्टिस फारूक हसन है जो हाईकोर्ट जज थे और स्टेट मिनिस्टर भी रहे। अच्छा थंबनेल में नहीं, आप पूरा देख लो ना थंबनेल का क्या करते हो। थंबनेल में मैं हूँ ना, मैं और ये भाई भाई हैं, हम हमारा एक का फोटो मान लो दोनों का फोटो है, इनका लिखा है तो मेरा भी उसमें शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ो 28, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है और इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। संविधान सभा में ये कथन बोला गया था, उत्तर ये बताएंगे, लेकिन मैं ये पृष्ठभूमि बता दूं, संविधान सभा की डिबेट्स पर कोई किताब सबसे पहले हिंदुस्तान में आई है तो राजस्थान ग्रंथ अकादमी राजस्थान जयपुर से आई है। इसके लिए आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि वो राजस्थान से निकली ऐसी किताब सबसे पहले, और इससे भी ज़्यादा आप गर्व कर सकते हैं कि वो डॉक्टर योगेश शर्मा ने लिखी है, फर्स्ट किताब लिखी है। पूरी डिबेट्स हैं उसमें डे बाई डे की, चैप्टर वाइज हैं। आप जब ओरिजिनल डिबेट्स देखोगे लोकसभा सचिवालय से प्रकाशित हैं, हमारे पास भी हैं, मैंने भी आपको कई बार दिखाई है, तो वो हैं डे बाई डे कि कब क्या क्या हुआ, किस किस दिन क्या क्या हुआ, लेकिन इन्होंने उसको कंपाइल अच्छे से किया है चैप्टर वाइज के, फंडामेंटल राइट्स के, फिर नीति निर्देशक तत्व, तो सारे चैप्टर्स की अलग अलग डिबेट्स मेरी, मेरी उस किताब का जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें ये कथन दिया हुआ है, ठीक है। ये कथन ऐसे ऐसा दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी किताब में से पेपर बनाया, लेकिन ये किताब में, इनकी किताब में संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उसकी पूरी की पूरी यहाँ आपसे मिल जाएगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके उत्तर हैं, शायद दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है ये और देखते चलें साथ में हम। हाँ ये भी वही प्रश्न पूछा गया कि मेरे मामा का नाम, या मतलब आपके खुद के नाम मामा का नाम पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों की जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। स्वर्ण सिंह समिति, हमने तो इसमें यह भी बताया कि इसने आठ रिकमेंडेशन की थी, आठ मूल कर्तव्य बताए थे, उनमें से पांच को ही लागू किया, तीन कौन से नहीं किए वो भी बताया, इतना सारा एक्स्ट्रा बता के चल रहे थे और पूछा इन्होंने इतना सा। नेक्स्ट, हाँ हेल्पफुल रहा रिवीजन आपको, ठीक। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य ना केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है बल्कि औचित्य भी है, और उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। कथन ये दोनों सही है, बस आपको उत्तर देते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। चूंकि संविधान में कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, कानून बना के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, सीएजी एक्ट 1971 वो तो हो गया कानून, और आर्टिकल 148 से 151 तक इसमें संविधान में दिए गए, तो उन्हीं की वजह से तो है ये। तो इसका जो उत्तर होगा, नॉर्मली क्या होता है जब भी आप कथन कारण के क्वेश्चन देखते हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन यह होता है कि ए और दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। इस बार चेंज कर दिया, इस बार इन्होंने चेंज कर दिया। हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहता है पहले है होता है बाद में नहीं होता है, इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले नहीं को लिया और बाद में है को लिया है, तो व्याख्या है, यह उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लें,
गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया 1 नवंबर 1956। ये तो वही सातवें संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन से याद पहले, इससे पहले जो हमारे यहाँ हुआ करता था वो राजप्रमुख का पद हुआ करता था, और राजप्रमुख के बाद ये पहला राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लागू हो गया था। ठीक है, हाँ गलत हो गया इस चक्कर में, इसीलिए मैं आपको कल भी कह रहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप, कल इसीलिए आया था मैं आपके बीच में। ठीक है, राजस्थान के निम्नांकित में मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? देखो उत्तर तो ये भी है, ए और बी, ये भी नहीं रहे। जो रहे हैं वो बता देता हूं, टीकाराम पालीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, इंडोन करो, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, ए और बी भी नहीं रहे। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ये हो गया कि ए इसमें ए भी है, बी भी है और डी भी है, तो तीनों को जो समाहित करता है, अगर हम कुतर्क की दृष्टि से आए तो यूं मान लेंगे ये कौन से रहे साहब बताओ, फर्स्ट में भी कौन से रहे, नहीं रहे। लेकिन तर्क ये होगा कि जिसमें ज्यादा समाहित है उसको हम लेंगे, छोड़ दिया था ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लो। मूल अधिकार समिति, संविधान सभा की समितियों में से, अच्छा क्वेश्चन है, समितियों में से वल्लभ भाई पटेल साहब, कार्य संचालन कमेटी के एम मुंशी, संघ शक्ति नेहरू, नेहरू जी, और प्रारूप समिति को आप सब जानते हैं, प्रारूप समिति ये नहीं भी देते तो फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने चारों में ही रख दिया, नेहरू जी को चारों में ही रख दिया, सॉरी अंबेडकर साहब को चारों में ही रख दिया, तो इसको नहीं भी देते तो फिर दूसरी दे देते इसकी जगह से, तो ये तो चारों हो गए, तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। उसके अलावा केवल एक ऑप्शन से आपका उत्तर कन्फर्म हो रहा है, केवल एक से, मूल अधिकार सरदार पटेल, केवल एक से ही हो रहा है, तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं बनाया इन्होंने, कुछ ढंग से बनाते चाहिए, ये दो तीन जगह देते कम से कम तब ये समझ में आता, एक ही ऑप्शन से आपका उत्तर क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट लो, 103 के तहत ये अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की निरर्थता संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये, निर्वाचन आयोग, क्योंकि तो इसमें बहुत सारे लोग उच्चतम न्यायालय करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये रटा है कई लोगों ने कि साहब जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगता है, लेकिन बात ये करनी थी लोकसभा सदस्यों की जो अयोग्यता है, निरर्थता, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताओं से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व, तो वहां लैंग्वेज लिखी होती है कि दल बदल के अलावा जो मामले हैं उनमें जो अयोग्यता है उस पर जब निर्णय करेंगे सांसदों के संदर्भ में राष्ट्रपति, तो निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, और ये सलाह निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल ये बाध्यकारी भी होती है, और दल बदल के जो 10वीं अनुसूची में प्रावधान है उसमें तो जो सदन का अध्यक्ष है, स्पीकर है, सभापति है, विधानसभा अध्यक्ष है, वो निर्णय करता है, अच्छा तो इसका उत्तर कंसेप्ट चले 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें, लोकायुक्त, नेक्स्ट लोकायुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, उच्च लोक सेवा आयोगों तक फैला है, ये सही है, भ्रष्टाचार को प्रशासन के मामलों में विचार करता है, ये भी सही है, आरोपों की जांच करता है ना कि शिकायतों की जांच करता है, बिल्कुल आरोप शिकायत दोनों की जांच करता है, एग्जैक्टली ग्रीवेंसेस, लेकिन एलिगेशन सर, हम ये सिग्नल कैसे चले गए वहां आ रहे हैं, एक बार देखो मोबाइल पे चल रहा है या नहीं चल रहा, हमारे यहां से चले गए तो चल रही है या नहीं चल रही, देखो एक बार चल रहा है ना, हमारे कमेंट गायब हो गए थे, तो हम बीइंग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ये दावे के साथ कह सकते हैं इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, यदि आरपीएससी इसको डिलीट नहीं करती है तो हम आपके साथ कोर्ट में खड़े होंगे, विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी होती है वो केवल और केवल मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त विधानसभा के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायित्व का मतलब है कि जिसको हटाने की शक्ति हो, जिसका विश्वास उसको हमेशा होना चाहिए, तो हम इसको बिल्कुल डिलीट करने की गुजारिश करते हैं आरपीएससी से, अगर वो की में मॉडल की जो जारी करेंगे उसमें डिलीट करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं हम आपके साथ कोर्ट में खड़े होंगे, इसमें कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि सभी में इन्होंने ए दे दिया ऑप्शन, इसका उत्तर होना चाहिए था बी और सी, ठीक है, लेकिन इसमें कोई उत्तर सही नहीं है, ये भी नहीं है, सब में ए है, तो ए तो बिल्कुल गलत है, उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है।
तो हम इसको बिल्कुल तैयार हैं हम आपके सामने, इसकी अगर अभी ऑब्जेक्शन मांगते हैं तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन लगाओ, हम इसका बाकायदा आपको इसका गजट नोटिफिकेशन है लोकायुक्त का वो देंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लें। भारत के उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति का जो क्रम है, हालांकि इतना डीप में जाते नहीं, इसकी जगह ये पूछ लेते शक्तियां क्या हैं, लगाता कौन है, हटाता कौन है, कॉलेजियम पूछ लेते, कुछ भी पूछ लेते, ये क्रम कौन याद रखता है, नॉर्मली क्रम याद नहीं रखते। इसका जो क्रम है वैसे एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश खेदर जी हैं, 42 में जो न्यायाधीश रहे वो दत्तू साहब थे, टी एस ठाकुर 43 में रहे और जगदीश खेदर साहब रहे, ये नाम भी सही नहीं लिखा उन्होंने, खेर नहीं वो खेदर हैं शायद। एक्चुअली क्या है कि जो किताबों के पीछे जो सारणियां दी जाती है ना, टेबल से, बस टेबल से आया है ये एक तरह से क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट लें। लोकायुक्त के दायरे में ट्रेंड, नहीं नहीं दायरा नहीं पूछा है उन्होंने, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व पूछा है कि विधानसभा सत्य कौन सा है ये पूछा है। नेक्स्ट लें। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद नियुक्ति हेतु अधिकृत है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसमें यही सब। ये अलग बात है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एक्ट, मतलब संसद ने एक्ट में जो परिवर्तन किया, संशोधन किया 2019 में, उसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश को भी अधिकृत कर दिया है, चूंकि राजस्थान सरकार ने उसके लाइट में या उसकी पालना में अभी एक्ट नहीं निकाला है, संशोधन नहीं किया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। और दूसरी बात ये भी है, सरकार के कारिंदे अगर सुन रहे हैं तो ये ध्यान रख सकते हैं, कह सकते हैं जब आपने अभी तक संशोधन नहीं किया है तो आपने नियुक्त की क्यों कर दिया, अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया, गोपाल कृष्ण व्यास चीफ जस्टिस तो नहीं है, केवल जस्टिस है, उनको नियुक्त कर दिया, और जबकि संशोधन नहीं किया, उससे पहले ही कर दिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़े। नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व कौन सम्मिलित नहीं है, ये अच्छा एप्लाइड पार्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अधिकरण के कार्य एवं निरीक्षण का प्रावधान, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, ये तो देना ही होता है, सेवाओं का विवरण तो है ही, कौन कौन सी सेवाएं होंगी उसमें, आपके लोक सेवा लोक अभिलेख की अपेक्षा पब्लिक रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि आरटीआई भी एक नागरिक अधिकार पत्र ही है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचार करना ये भी है, लेकिन किसी एजेंसी का निरीक्षण करने का दायित्व इनका नहीं होता है। तो इसकी एजेंसी जो अभिकरण है, इसमें अभिकरण का आप जब पढ़ोगे ना तो एजेंसी इंग्लिश टर्म ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, सिटीजन राइट जो है वो हम, अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो आप अपनी जो क्वालिटी है ना वो बढ़ा लें इसकी वीडियो की। ठीक है, योगेश सर को बोलने दो। हाँ योगेश सर बोलने सर प्लीज, अगला क्वेश्चन योगेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट। मैं तो योगेश सर को लाइक खींच के इसलिए रहा हूं कि मुझे नहीं बोलना पड़े, मैं व्यक्तिगत रूप से बचता हूं। पिछला क्वेश्चन हो गया, नहीं उसका नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूं, ये नहीं है, लेना है करना है वो कराया नहीं है किसी ने। अच्छा आप बताए इसमें कौन सा, अगला 40, ये वो भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। चलो उड़ान योजना या करंट अफेयर्स का, पॉलिटी का नहीं है लेकिन उड़ान का है, और पता होगा आपको कि ये 19 नवंबर से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे इसमें, यह सही है। राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर होगा, यह भी सही है। और ये योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना, यह भी सही है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, ये लागू वाले दोनों यहां भी निःशुल्क मिलने लगेंगे, यह कर दिया, और दूसरी तरफ इन्होंने लागू होगी ये भी मिलने लग गया। नॉर्मली लागू होने का मतलब होता है जिस दिन गजट नोटिफिकेशन निकल जाता है, जो विधिक टर्म है उसी दिन से वो इफेक्टिव होती है, जिस दिन उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं किसी प्राधिकारी के, उस दिन से उसको माना जाता है कि वो लागू हो गई। उसका क्रियान्वयन भले ही बाद से शुरू हुआ, तो ये 19 सितंबर 2021 को घोषित हो गई थी, तो योजना उस दिन से मान लेते हैं। तो इसमें जो उत्तर है गलत विशेषता चिन्हित है, तो उत्तर होगा 4 इसका। ठीक है, ओ बापरे सारे तो नहीं चले गए, तो उत्तर होगा 4 इसका। अगला क्वेश्चन लो, आ जाओ योगेश जी। बहुत आसान, मैं तो क्लासेस में खूब पढ़ाता हूँ भाई, खूब बोलता रहता हूँ।
कौशल जी को बोलने दे। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? ठीक है, राजस्थान के कुछ क्वेश्चन ठीक आए हैं, तो ये तो 89 वाला ही था। 89 में दरअसल पंचायत समिति जिला परिषदों को गठन दिया गया, तो जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सब इसमें, इवन इसमें जो यहाँ लगाते हैं ना स्कूलों में, क्या लगाया है, छोटे टीचर की जगह पे लगाए हैं ना वो कुछ पद ग्राम पंचायतों में, और उसमें वो भी है, इसमें भूल गया नाम, पर अच्छा, सारे पदाधिकारी इसमें सहायक कुछ बोलते हैं इनको, प्रबोधक या इस तरह के कुछ सब लगाए, वो भी इसी में आएंगे। दरअसल संगठन जहाँ होगा वहीं पदाधिकारियों के नाम होंगे, तो गठन दिया हुआ है 89 में उसका। नेक्स्ट ले लें। ये भी ठीक सा क्वेश्चन है, हालांकि अब दे दिया उन्होंने कुछ भी, इतना डीप नहीं पूछना चाहिए उनका कि भाई कौन सा, हमें तो अभी यही नहीं पता। प्राकलन समिति दो हैं राजस्थान में, ए और बी, दो तरह की है, और ए में कौन से विभाग हैं, बी में कौन से विभाग हैं, बिल्कुल हो सकता है हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों को ही नहीं पता हो जो वहाँ कार्यरत हैं। बिल्कुल, टोटल जो 22 समितियां हैं उसमें 4 वित्तीय हैं, तो वित्तीय 4 इसलिए हो जाती हैं कि प्राकलन की 2 हैं, के और खे, और बाकी एक लोग। हाँ बिल्कुल, गूगल से 100% राहुल जी आप सही कह रहे हैं, हम गूगल से उठा के लाए इस प्रश्न को, कोई उसमें दोहराया नहीं है। हाँ नहीं, और इसका ये, जो उत्तर है ये गूगल से नहीं है, मैं बता साइट से है ये। हाँ, ये तो राजस्थान विधानसभा की साइट से, पर विधानसभा की साइट को भी गूगल से ही सर्च किया था हमने। तो गृह विभाग खे में आता है, प्राकलन समिति खे में आता है, गृह विभाग, ये तीनों खे में आते हैं, गृह विभाग जो है वो खे में आता है, बी में आता है उसके, ना एस्टिमेट कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट ले लो। ये तो 50 राजस्थान, ये तो मेंस का 2016 का मेंस का क्वेश्चन है, जेंडर जस्टिस को लेकर हमेशा कराते हैं विशाखा और अन्य, और इसमें बार बार ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि विशाखा नाम की महिला के साथ दुर्व्यवहार, तो विशाखा वॉज नॉट ए विमेन, विशाखा वॉज ए एनजीओ, तो एनजीओ था विशाखा, तो ये ध्यान रखें। और विशाखा अन्य बनाम राजस्थान, तो जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको रोकना है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम, 1997 का केस है ये, तो ये वाला इसमें जो है ये ठीक है, इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न बिल्कुल की रोकथाम के लिए आर्टिकल 21 से रिलेटेड आता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो इसमें जो दिए हैं ना, डिस्चार्ज के बाद 10 दिन की जगह ये 15 दिन है, 10 दिन की जगह 15 दिन है ये। हालांकि ये करंट अफेयर्स का योजनाओं के संबंधित क्वेश्चन है, योजनाओं के संबंध में क्वेश्चन, हम पॉलिटी वाले हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है, हम भी पूछ पाछ के ही आपको बता रहे हैं हमारे साथियों से। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इसलिए कि यहाँ डिस्चार्ज के बाद 15 दिन अस्पताल में जाँच और इनका शुल्क सम्मिलित होगा उसमें, यहाँ 10 ऑप्शन दिया गया, तो 2 इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ले लें। ये तो बहुत चर्चित था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, उस दिन अभी रिविजन वाली क्लास में बात करी थी इसकी, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उससे रिलेटेड जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया बिल्कुल, और फिर वापस से जो कॉलेजियम की सुप्रीमेसी है वो एस्टेब्लिश हो गई है ना। तो ये 99 में संविधान संशोधन अधिनियम था, इसको अवैध घोषित कर दिया था, फोर्थ जजेज केस था उसमें इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और इस फोर्थ जब असंवैधानिक घोषित किया था तो उसमें एक जस्टिस ऐसे थे जो इसके पक्ष में थे, उन्होंने अपनी डिसेंट राय दी थी, अपनी राय बिल्कुल अलग राय दी थी, जस्टिस चेलमेश्वरम, उन्होंने इसको अलग से राय दी थी, इसमें पक्ष में थे वो, इसकी आलोचना भी खूब हुई थी। 100 नंबर आ रहे, मस्त रहो, मेंस की तैयारी में जुट जाओ। नेक्स्ट ले लो भैया। लोक सेवा अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राजस्थान के जितने भी आयोग हैं। हाँ, एक क्लासेस में अमूमन ये बात भी हम लोग करते थे, कौशल जी भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, कि जैसे लोक सेवा आयोग है ना, तो राज्य लोक सेवक वहां आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए कोई अलग सा प्रोविजन नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आता है, तो वहां हम लोग ये कह रहे थे कि वो क्या करेगा कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग डाल देगा, तो उसने वही चीज करी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, चीज वही थी, राज्य लोक सेवा आयोग कह लीजिए इसको, तो अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष पेश करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस टाइप से बनाया है उसने, सीधा ही क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है 10 किए जाते हैं, 6 नगर पालिका में, 10 नगर परिषद में और 16 नगर निगम में मनोनीत किए जा सकते हैं अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट ले। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष दी गई थी? ये तो हमारे दो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे, मुख्तार जी बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन कौशल जी बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलते नहीं है। होता यह है कि आपको जबको जानकारी है कि भाई
कलेक्टर जो लगाते हैं वो आईएएस को ही लगाते हैं, तो यहाँ आपको मोटिवेट करने के उद्देश्य से ये क्वेश्चन हाँ। डाला गया है कि आरएएस को भी कलेक्टर लगाया जा सकता है, इसलिए कह रहा हूं। और इसका जो उत्तर है वो मैं बताऊं आपको, 2012 में मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे ही मतलब एक बृहद परिवार के हमारे संरक्षक श्री जीपी शुक्ला जी को 2012 में कलेक्टर लगाया था, और उस समय 7 कलेक्टर लगाए थे गहलोत सरकार ने, तो 12 इसमें ऑप्शन नहीं है, 13 ऑप्शन है, तो 2009 इसका सही उत्तर होगा। और वो भी इसलिए लगाया था कि पहले लगा चुके थे, तो पहले एक एस्टेब्लिश्ड था कि पहले लगा चुके भरतपुर लगाया गया था, ये भरतपुर लगाए थे, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में लगाए थे, वो भी हमारे घर के सदस्य और हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए मुझे उसका पता है कि 2000 उनसे मैंने पूछ भी लिया कि साहब आपसे पहले भी कोई लगाया था, कि उनका हाँ साहब लगाए थे तभी तो हमारा नंबर आया, नहीं तो कैसे आता। नेक्स्ट लें, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों में विचार, तो इसका एक तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन December 1994, तो इसका जो रियल आ रहा है तो June-July 1994 आता है, तो ये वाला दूसरा, ये देखो July 1994 है, 94 तो ये सीधे सीधे ही गलत हो गया। ये तो एक सचिव होता है जो मुख्य कार्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये सही है, हाँ, सही है डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक आयुक्त होता है और एक सेक्रेटरी लेवल पे अधिकारी है जिससे जो स्टेट का चीफ इलेक्शन ऑफिसर घोषित किया है। केवल 2 सही है, अब तक कितने क्वेश्चन हो गए? सारे हो गए, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पार्ट में से दूसरा क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर वाले के बाद, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें। सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता मुख्य काम तो यही था इसका, उत्तरदायी नागरिकों को सशक्त बनाना स्वाभाविक सी बात है, उनको अधिकार मिलेंगे सशक्त होंगे वो, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वे वास्तव में लोगों तो के लिए फोर्थ काम वाला है ना, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा जो उद्देश्य है ना, फोर्थ वाले में तो क्या है कि लोकतंत्र सीधा से ऐसा नहीं है, लेकिन वहां दिया है लोकप्रिय प्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा, और ये वहां नहीं दिया इसलिए। डॉक्टर साहब मैं और इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बताऊं, जो हम जो देखते हैं हमारे सेकंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है, उसमें जो आरटीआई को दिखाया ना, उसको लिखा ही नागरिक अधिकारों का सशक्त हथियार लिखा है उसको, तो उसमें नागरिक सशक्त लोकतंत्र का हथियार लिखा है, तो सीधा सीधा ही जो सेकंड एआरसी थी उसकी जो फोर्थ रिपोर्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग की, शासन में तो उसमें सीधे सीधे ही इस लोकतंत्र के संबंध में जोड़ के देखा है आरटीआई को, और इसमें जो ये है ना, ये केवल पर्टिकुलर वर्ग तक सीमित कर दिया उन्होंने, महिला और कमजोर तक है, वो सोशल जस्टिस, केवल महिला और कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सभी के लिए ओवरऑल है, इसलिए ये गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेप्थ में जिन्होंने पढ़ा होगा। क्वेश्चन 57 डाउटफुल है, राजस्थान ज्योग्राफी हमें नहीं आती, सब जो होगी एक बार डाउटफुल, अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हमारी कॉपी मिल जाएगी जिसमें हमने हाईलाइट करके आपको ये उत्तर देंगे, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सर, इसके अलावा एक से लेकर 150 तो एक बार स्क्रीन पर ना फ्लैश कर दीजिए फटाफट, हाँ 150 एक बार फटाफट इसको करते चलते हैं, आप करवा दो आप आइए, क्योंकि टॉप कुक हो चुके हैं। जरूर, हाँ सर। अभी आपने ये करी थी कि मेंस की घोषणा, नॉर्मली हमारा जो ध्यान था मेंस के बैच चलाने का वो 1 नवंबर से हम सोच रहे थे, चूंकि मुक्ता जी ने ये कह दिया आपसे कि मैं चाहती हूँ आपका एक दिन भी वेस्ट ना हो, नहीं होना चाहिए सर, एक दिन भी वेस्ट ना हो, इन्होंने ये कह दिया आपसे और यहाँ ये कहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये हमारा पूरा परिवार है, पूरी टीम है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उस कहे गए पर ध्यान दें, और इसलिए हमारा आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, एक दिन तो आप ले लो कम से कम, बाहर से आएंगे, बाहर से आएंगे बच्चे, सेंटर बाहर है ज्यादातर लोगों के आएंगे, तो कल रेस्ट कर लो। 29 तारीख से हम मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहले 3 दिनों में हम 29, 30, 31 को पुराने पेपर के आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हम कैसे अटेम्प्ट करें, हमारी उत्तर की रूपरेखा कैसे रहे, तो ओल्ड 2016 और 18 के जो पेपर हुए थे मेंस के, उनके पहले सॉल्यूशन करवाएंगे, और उसके बाद 1 तारीख से क्लास स्टार्ट कर देंगे, फिर छुट्टी कर देंगे दिवाली की 2-3 दिन चला के, ठीक है। पूछ रहे कट ऑफ कितनी जाएगी, 100 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं सर जनरल से, भाई साहब मेंस में जुट जाओ अभी से, एक दिन भी क्या, एक मिनट भी खराब मत करो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर बाद लगभग 1 घंटे के बाद आपको कुछ कट ऑफ के आंकड़े भी हमारी तरफ से जो बन सकते हैं, या जो अंदाजन होती है, नॉर्मली अब तक ये रहा है कि हमने जो अंदाजा बताया था वो लगभग जैसे पिछली बार भी 75 से 80 के बीच में बताया था, तो अगली बार आगे के लिए भी हम थोड़ा सा इस पर चिंतन मंथन करने के बाद बताएंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल भी डाल सकते हैं कि किसके कितने बन रहे हैं, पोल हम देंगे, आप लोगों से पोल करवाएंगे और फिर हम देंगे उसका।
ठीक है, आप आए एक बार ये रिवाइज करवा दें पूरा पेपर टू ऑल ऑफ यू, और जो लोग बाद में जुड़े हैं ना वो अपना पेपर लेके बैठ जाएं और फटाफट इसको सही करते जाएं। हम सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए हर एक क्वेश्चन पे रुकेंगे और सिर्फ हम ये देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं या नहीं, तो प्लीज फटाफट देख लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है कि जैन धर्म के कौन कौन से संबंधित थे, तो ये है अनेकांतवाद और स्यादवाद, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बयाना दुर्ग, तो इसका आंसर होगा गुप्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में, तो इसका आंसर होगा परखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र मज हरूल सरूर कहाँ से और कब, तो ये भरतपुर 1849 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूची का सुमेलन है, तो इसका आंसर होगा ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, आप अपनी रेस्पेक्टिव की से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में जो उत्तर है वो है ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर छः जिसमें तीर्थंकरों को सुमेलित करना था संज्ञान से रिलेटेड, इसमें ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ है, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 8, सूची का सुमेलन करना है, हावड़ा षड्यंत्र केस है 1910, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 और इस तरीके से मैच कीजिए। दिल्ली षड्यंत्र केस आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम, इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा है, सही सुमेलित नहीं है, वो है नेह तरंग जो है वो सवाई प्रताप सिंह से सुमेलित गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में है जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी, ये सर ने अभी अंडर द कंसिडरेशन छोड़ा है, विल टेल यू सून ऑन द टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो ये है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना इज आणो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए, तो महिला है अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का सुमेलन करना है, गागरोन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, इस प्रकार से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आंसर है गोहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो खेतड़ी से नहीं थी, ये उनके बारे में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना यानी IISc की स्थापना किसने की, तो जमशेद जी टाटा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना तमिलनाडु में की गई, कड़ाईकुड़ी, विच इज ऑप्शन 4, कड़ाईकुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, या सही कथनों का चयन करना है, इसमें कथन 3 गलत है और बाकी दोनों कथन सही हैं, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया, अजमेर में। नेक्स्ट, बखना जी, संतनाथ जी और जगन्नाथ ये सब किससे हैं, तो ये दादू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, दादू पंथ से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, टोटी आभूषण कान का है। अगला क्वेश्चन, सुमेल करना है, व्रीही क्या है, चावल है, मुदक क्या है, मूंग है, यव जौ है और इक्षु गन्ना है, यानी 1 में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, ये इसके ऑप्शन हैं। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, तो इसका आंसर आएगा वीरे शलिंगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 इसमें है बूंदी कदली चीज 1 से, होली 2 से, पर्युषण पर्व 3 से और गणगौर 4 से सुमेलित है। अगला सवाल देख लीजिए, आहड़ सभ्यता, इसमें ऑप्शन ए, सी और डी सही है, बी गलत है। 26 में राज्य विधानसभा के उत्साधन, ये सर ने अभी भी करवाया, आई एम श्योर ये तो बिल्कुल ठीक हुआ होगा। 27 में ऑप्शन जो है वो 2 इज द आंसर, पुरुषों और स्त्रियों का दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन, 28 में ऑप्शन आएगा जस्टिस फारूक हसन। 29 में क्वेश्चन आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन दिया गया है आपको, एक संविधान एक मशीन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो ऑप्शन है वो है किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया मूल कर्तव्य को, तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर। 31 क्वेश्चन में आंसर आएगा ए और आर, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और ए जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफकोर्स योगेश सर की क्लास रख पाएंगे, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया, 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, 33 टीकाराम पालीवाल जी जो हैं वो इसके ऑप्शन आंसर हैं, तो इसका ऑप्शन होगा केवल एक, ए बी और डी करेक्ट है। आंसर नंबर 34 में हम देखते हैं विधानसभा समिति इन सब का मिलान करते हैं, तो ए जो है वो 4 से, बी जो है 3 से और सी जो 2 से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान संशोधन 103 के तहत, तो इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। 36th क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में, तो इसके जो ऑप्शन है उसमें जो सर ने करेक्शन करवाया था कि उसका क्षेत्र अधिकार से, इसमें यू नीड टू रेफर बैक कि सर ने क्या कहा था। सर ने कहा था कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा एंड दिस क्वेश्चन शुड एलिमिनेट। 37th क्वेश्चन होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है, तो सही क्रम ऑप्शन नंबर 3 है। 38th में ऑप्शन आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में हो सकती है। 39th क्वेश्चन में अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का जो प्रावधान है वो नहीं कर सकते हैं नागरिक अधिकार पत्र में। 40th क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो ये इनकरेक्ट है कि यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। फिर 41st क्वेश्चन में आंसर आएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कौन सी सूची का हिस्सा नहीं है, तो सूची का हिस्सा गृह विभाग नहीं है। 43rd क्वेश्चन इज विशाखा गाइडलाइंस, तो दीज आर रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रूप में ऑप्शन 2 जो है वो इसका उत्तर होगा क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 45th में होगा, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 99वां संविधान संशोधन जो है वो टोटो क्वैश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 46 में आएगा, राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन देना होता है आरपीएससी को। 47वां क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार अधिकतम कितने, तो 10 निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 48th में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार 2009 में बनाया गया। 49 क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन केवल 2 सही है, यानी इसका एक सचिव होगा और एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होंगे। और 50वें क्वेश्चन में है, हम समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों की सशक्त करने का काम आरटीआई नहीं करता है। आप में तो कुछ भी संभव है। थैंक यू, पर आगे चलते हैं। 51st है यानी 51वां क्वेश्चन है, उसको मैच कर लीजिए। मरुस्थल का भाग कौन नहीं है, तो मरुस्थल के भाग नहीं है बनास का मैदान नहीं है, इसलिए जो है वाले ऑप्शन में आएगा ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में आंसर आएगा, सुमेलित कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, त्रिपुर सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा में है। चलिए नहीं करवाया हुआ है, मैं करवा देती हूँ। फिर गागरौन का किला कहाँ है, गागरौन किला झालावाड़ में है। नाकोड़ा और लाल इससे मैच होता है, देखते हैं बी फोर कहाँ चल रहा है। बी में फोर सिर्फ एक ही जगह है, जो इसी से हो जाता है तो सवाल। तो इसका ऑप्शन होगा ए थ्री, बी फोर, सी वन और डी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का आंसर है बनास। कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, बनास नदी के बारे में हो रही है। 54 इस डूंगरपुर जिले में स्थित है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 आगरा उत्तर दक्षिण गलियारे पे कौन सा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है लेक बैकल, ये एशिया का हिस्सा है इसलिए, तो ऑप्शन डी। कोपन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो ए सी और डी सुमेलित है, डी बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप मैच कर लो। सो इसमें ऑप्शन सी आएगा उत्तर, यानी पहला उत्तर पाली जो है वो चूरू के साथ में, ये सुमेलन नहीं है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, तो ये 2015 में पहली बार घोषित की गई थी शायद। अगला क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि मांडो की पाल फेल्स पार जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको भी ठीक कर लीजिएगा। 61वां क्वेश्चन नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा स्थित है। अगला क्वेश्चन सूचियों को सुमेलित करना, इसका उत्तर होगा ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1, ये क्वेश्चन है एकांकागुआ मेसेटा और उससे रिलेटेड। 63rd क्वेश्चन में गोगेलाव कहाँ है, तो नागौर में है। 64वें क्वेश्चन में है गोरनाया शोरिया सूती वस्त्रों के लिए नहीं है। 65वें क्वेश्चन में उत्तर आएगा नदियों और उनकी सहायक नदियां, तो ए 2 से, बी 3 से और सी 4 से और डी 1 से सुमेलित है। 66 बॉक्साइट जो है लोहरदगा सुमेलित है, लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में सिरोही आएगा, उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं सिरोही में। 68 में आएगा जब आप सुमेलित करते हैं तो ताता पानी जो है वो भूतापीय से, इसको इसका आंसर है ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। 69 क्वेश्चन में आएगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजधानी कौन से जिलों से गुजरेगा, तो अजमेर चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए उदयपुर नागौर भीलवाड़ा कोटा को, तो ये सुमेलित होंगे तो ए 4, बी 1, सी 3 और डी 2 से सुमेलित होगा।
71 में बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास को बोलते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत में रेल बजट, तो रेल बजट हमारा 2017-18 में अलग किया गया था। फिर अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 72,297, 74th विश्व बैंक ने इसको 50s to 50 की टर्म्स में अटल भूजल योजना को स्पॉन्सर किया था। 75th में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजनाओं को चलाएगा। 76th में 63 इज द आंसर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान, तो 63rd पोजिशन है भारत की। अगला क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, तो 139 पे स्टैंड करता है। 78th इसमें है कि राजस्थान में बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय कितना प्रतिशत है। आई एम सॉरी, somebody has not attempted this question। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं कौशल सर, जैसे कि ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी के प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि, तो ये तो सही है। यहाँ देखिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है, चिरंजीवी की बात नहीं हो रही है। तो दिस विल रीच टू 3.3 लाख रुपीज एज मच आई रिमेंबर इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड 80। क्वेश्चन नंबर 80 इज क्रिटिकल इलनेस के लिए। सर क्रिटिकल इलनेस के लिए 4.5 लाख रुपए है, सर कह रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस के लिए इट इज 4.5 लाख रुपीज एंड ही इज करेक्ट। लेट्स सी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो आयोजना विभाग है, इसका आंसर है आयोजना विभाग। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है कि 2021-22 के बजट में विद्युत पर कुल व्यय कितना कर दिया जाना है, इट इज 14.32%। आगे चलते हैं, हम 80 तक पहुंच चुके थे, 81st क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण में नहीं है, तो बाड़मेर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है, तो ये 40% है। फिर 83 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि परवन बहुउद्देशीय योजना किसको सुविधाएं देगी, तो झालावाड़ 12 और कोटा जिले को। अगला क्वेश्चन 84, राजस्थान बजट 21-22 के अनुसार फिनटेक विश्वविद्यालय डिजिटल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा, तो ये हमने पढ़ा था, ये जोधपुर में होगा। फिर लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, सो इट वॉज 2019, पर डेट कौन सी थी आई नीड टू रिकॉल, मे बी समबडी एल्स विल टेल यू, लेट मी सी। पीएम किसान 12 सितंबर 2019, यस इट वॉज सेप्टेम्बर 2019। अगला क्वेश्चन है, वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज द मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, तो विद्युत खनन गैस एवं जलापूर्ति और विनिर्माण। तो जब हम औद्योगिक क्रियाओं की बात करते हैं तो आई एम श्योर ये नहीं किया जाता होगा। लेट सी सर क्या बताते हैं, गौरव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस और जलापूर्ति को नहीं करते, विद्युत को, खनन को और विनिर्माण को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी, तो ये सरकार की जो वर्षगांठ थी उस पे शुरू किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। 88 जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान और भारत में सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही, सो इट इज़ 39.8% एंड 43.6% कार्य सहभागिता दर। अगला क्वेश्चन, कार्य सहभागिता दर मतलब कितने लोगों को काम, कितने लोग काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है, सर ने बहुत अच्छे से करवा दिया था, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी गणना के लिए किया जाता है। फिर 90वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गौरव सर बताएंगे, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60s to 40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, ओके, इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है, इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास, ये तो करेक्ट बात है, इस नाम से वो किया गया था, सरकार ने
राजस्थान में एक वो लॉन्च किया था कि हमारी मार्गदर्शिका है, लेकिन इसका जब हम ऑन द कॉन्ट्रेरी देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो उसका नाम कुछ और था। तो आप देखिएगा उसका नाम ये नहीं है अपनी योजना अपना विकास, उसका नाम डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, सो यू हैव टू सेलेक्ट इट। आगे चलते हैं, 91st ही हमने करवा दिया, क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। 92nd ये हम कर चुके हैं, ऐसा कैसे हुआ, इस पे से हम टिक लगा चुके थे, चलिए ग्रेट। फिर है कड़कनाथ क्या है, मुर्गे की किस्म है। 94 ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम की वजह से। फिर नेक्स्ट जैपनीज इन्फेसिलाइटिस जो भी है क्या करता है, तो मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देने का काम करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है, म्यूकर माइकोसिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन MOEMS क्या है, तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड, तो MF बैंड जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। 100th क्वेश्चन है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी में, तो समुद्री में होता है, समुद्री में छोटे से फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर बहुत बड़ा बायोमास डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील, विटामिन ए एंड डी 103 क्वेश्चन में आएंगे, वो है किस प्रकार की विसंगति, तो RH हीन माता और RH सहित गर्भस्थ शिशु, ये उसका आंसर है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शोर वेधशाला कहाँ है, ये दोनों ही सही हैं, उदयपुर भी सही है, उदयपुर भी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले में, तो जिला है जोधपुर। अगला क्वेश्चन, दुर्दम मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प बताऊंगी नहीं, अगला क्वेश्चन निकालो। 110, स्टेथोस्कोप में रोगी की धड़कन ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात चार तर्क, तो इसमें ऑप्शन सर ने बताया था कि केवल 2 और 3 तर्क जो है वो मजबूत हैं, पहला तर्क गड़बड़ है। 112वां क्वेश्चन है, इस आरेख में बताना है उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन, माना किसी कोड में ये कहा जाता है, तो उसका कोड क्या होगा, इसका उत्तर होगा MDYNQE। आपका जो भी ऑप्शन है उसको देख लीजिएगा, MDYNQE। फिर यह है कि 5% की दर से बढ़ रहा है, तो उसका उत्तर है 24,000। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ग और आयत हैं, तो 21 वर्ग और आयत हैं। अगला, आयताकार कितना बड़ा छोटा, तो उसमें करवाने का पेंट करवाने का व्यय क्या होगा, तो होगा 2,055। फिर एक पासे को फेंका क्या संख्या की प्रायिकता, 5/54। अगला क्वेश्चन, 1 से 56 तक की संख्याओं के लिए माध्य कितना है, 78। नेक्स्ट, 2 कथन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, असर्शन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, 1 थैली में सिक्के डाले हुए हैं, तो उसका उत्तर होगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, इसका उत्तर होगा दादा। 122वां क्वेश्चन है, पुस्तक के प्रकाशन में, इसका उत्तर होगा 38,250। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, उत्तर होगा 1। 3 गोले जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं सारे, मतलब मिडल इज कॉमन। फिर है, कथन के पश्चात पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उत्तर होगा सिर्फ 2 पूर्ण धारणा, सेकेंड नंबर की जो पूर्व धारणा है वो अंतर्निहित है। 125वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों का, यानी बच्चों को पढ़ाने वाला क्वेश्चन में उत्तर आएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 126 में उत्तर आएगा 209, यानी जो क्रमचय और संचय वाला क्वेश्चन है लड़कियों में से लड़कों का, इसका सिलेक्शन आंसर इज 109। नेक्स्ट इज 127, इसमें उत्तर होगा केवल 1 ऑप्शन, यानी सरकार को विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए। 128वां क्वेश्चन, ये अभी इसमें से कोई ऑप्शन निकल नहीं रहा है, लेट्स सी क्या निकल के आता है। 129, पूर्व दक्षिण दिशा, इट इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला है, इस आरेख में से बताइए कि शहरी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 11। 131, प्रोफेसर CNR राव इज द आंसर एनी अवार्ड के लिए। 132, बांग्लादेश इज द आंसर दैट वी हैव साइंड एन MOU, हमने MOU साइन किया है बांग्लादेश के साथ। फिर मैराथन वॉर बुक किसने लिखी, जेफ्री श्लोसर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति जी ने संविधान संशोधन को मंजूरी दी, संविधान संशोधन 105वां। अगला, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया, ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। पुस्तक संस्कृति री सनातन ठीठ, ये लिखी है भंवर सिंह सामोर जी ने। 137 क्वेश्चन, जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। 138वां सवाल में पूछा गया है कि किस कौन बना रहा है इस मिशन निर्यातक बनों को प्रवर्तित करने के लिए, तो इट्स उद्योग विभाग और रिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा क्यों फेमस? यूनेस्को की लिस्ट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, यानी ऑप्शन ए और डी, टोक्यो और पैरालंपिक समारोह ध्वजवाहक अवनी लखेरा जी। 142 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग गेम्स के साथ में, तो ए यानी भाविना पटेल इज टेबल टेनिस प्लेयर, देन बी इज विद 4 निशांत कुमार विद ऊंची कूद, एंड देवेंद्र झाजड़ा जी से भी मिल जाता है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, यह आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में कथनों को चुनिए, ये ओनली गौरव सर कैन टेल। गौरव सर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस सर, टू मी एक्चुअली इधर पढ़ती हूँ, शायद अंग्रेजी में समझ में आए। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस इज एन अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इम्पॉर्टेंट इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ 5 कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ देम। इट सीम्स बोथ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। आप देखिए, तब तक मैं इधर देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 143 पे हम दोबारा आएंगे, 144 पे देखते हैं एक बार। केवल एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 144, ये हमने पढ़ लिया था, मोदी जी, ममता बनर्जी जी और आदार पूनावाला जी को शामिल किया गया था टॉप 100 लोगों में। 145, इंग्लैंड ने किसको हराया, सॉरी इटली ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया था इस यूरो कप में। 146, हंगर स्पॉट हॉटस्पॉट किसने जारी की? तो FAO और WFP दोनों के द्वारा। 147, बालोजी ग्राम फेमस था दोनों के द्वारा। 148, चीन का अंतरिक्ष यान है ये थियानवेन 1। नेक्स्ट इज 149, नामी एमजी क्या है? ये गेहूं के, काले गेहूं की किस्म है। और लास्ट क्वेश्चन, नजीब मिकाती कौन है? लेबनान के प्रधानमंत्री। और आई एम श्योर आपने गिन लिया होगा आप कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। वाह, 140 नंबर पे हो जाएगा कि 100% हो जाएगा। कौशल सर फिर से ज्वाइन कर लिया, कौशल सर थैंक यू फॉर कमिंग। आप रहे हैं यहीं पे, मैं आज मैं उम्मीद है आप सब लोगों का अच्छा स्कोर हुआ होगा। बिल्कुल, कर लेना दोबारा। और देखो, इसमें एक अधिकृत घोषणा ये कर दें हम कि RPSC की ही ऑथेंटिक की होगी, और वहाँ कहीं कोई कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ विवाद है, जैसे मैंने एक बताया था आपको लोकायुक्त वाला, तो उस पार्ट का, या और भी कोई ऐसा आता है तो हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। लेकिन अधिकृत की RPSC की ही मानी जाएगी, हम यहाँ अधिकृत वक्ता नहीं है उसके लिए, लेकिन केवल आपको अंदाजा लगाने के उद्देश्य से हमने ये जारी किए। और आप बिना रिजल्ट का वेट किए, बिना कोई वेट किए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बाय द वे, आपका स्कोर कम भी हो रहा हो तो भी आप कम से कम रिजल्ट तक तो पढ़ें। अगर आप रिजल्ट तक नहीं पढ़ते हैं, वेट करते रहते हैं और पास हो जाते हैं, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा मैं पास करने का। आपकी बात को और ज्यादा जस्टिफाई करना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपका स्कोर भगवान ना करे लेकिन कम बन रहा है, तो भी विकल्प क्या है? इसको सिर्फ ये समझो कि आपको मेंस की तैयारी आज से शुरू करनी है, अगली वैकेंसी के अनाउंसमेंट होने तक आप सिर्फ मेंस के लिए पढ़ोगे तो प्री विल कम एज अ साइड इफेक्ट टू यू, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्लीज मेंस की तैयारी बिना सोचे समझे शुरू कर दीजिए, आपका जो भी स्कोर हो डजंट मैटर एट ऑल। आपको पता है ना मीरा भाई का, आप दे लो ना मेंस क्या समस्या, टॉप करो, हम चाहते हैं आप टॉप करें। सर ऐसे कमेंट से फर्क कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखो, हर कोई सर्वज्ञ नहीं होता। अगर सर्वज्ञ होते तो मैम के मार्क्स 800 आते मेंस में। एब्सोल्युटली 800 आते ना, 448 क्यों आए? कोई बात नहीं सर, बहुत सारी चीजें, 300 कितने लोग है, 352 ऐसे मार्क्स थे जो मैम अचीव नहीं कर पाई थी, तो अब ये मानो 448 लाई थी, ये अच्छी बात है। तो आपको सर्वज्ञ चाहिए ही नहीं, वहाँ एक अधिकारी चाहिए। और हाँ,
यदि आप मान के चलो लग रहा है कि फेल हो रहे हैं, तो आपसे आरपीएससी पूछेगी नहीं क्यों पढ़ रहे हो, आपको कोई दंड के प्रावधान नहीं है कि आप पास हो ही नहीं रहे क्यों पढ़ रहे हो, तो अगली बार पढ़ेंगे। आज मैं एक बहुत ही सुखद पल के साथ आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मेरे साथ ही दोस्त भाई डॉक्टर योगेश शर्मा ने एक किताब और लिखी है, वो है भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की। पहले भारतीय संविधान सभा की डिबेट्स लिख चुके थे, उसके बाद अगेन एक किताब और इस लॉकडाउन पीरियड की मेहरबानी से हमारे बीच में आई है, और उस किताब की प्रति डॉक्टर साहब मुक्ता जी जो रैंक फर्स्ट पर आसीन है उनको एक प्रति भेंट करेंगे डॉक्टर योगेश शर्मा। इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू रिसीव। मैं व्यक्तिगत रूप से दावा करता हूँ कि जो बेहतरीन बुक्स हैं राज्य व्यवस्था की, मैं चूंकि खुद पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी बुक्स में से एक बुक है ये, और ना इसमें ना केवल इसमें जो सिद्धांत हैं बल्कि फैक्ट भी खूब हैं और करंट अफेयर्स से भी उसको अपडेट किया है। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा सा यूं कर लो, फोटो खिला रहे, दैट्स अ वंडरफुल बुक। तो ये भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की डॉक्टर योगेश शर्मा की, इसमें अगस्त तक के आंकड़े आपको मिल जाएंगे, इसमें अगस्त तक के फैक्ट उपलब्ध हैं। इसमें हम पुनः इनको बधाई देते हैं और आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। ओके, इट्स एन अमेजिंग बुक। एक हमारे साथी हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे यद्यपि मिल चुकी है मैं पर दोबारा ले रहा हूँ इसलिए कि मुझे फोटो खिंचाने के लिए मिल जाए, आपको दिखाने के लिए मिल जाए। अब ये वापस नहीं दूंगा मैं साहब, आप कहो कि पहले मिल गई थी। थैंक यू साहब, आपने बहुत अच्छी किताब उपलब्ध करवाई है। और एक इनको और हमारे साथ में डॉक्टर गौरव शर्मा जी CA CS LLB, हाँ इतनी सारी डिग्रियों के धारक हैं, तो गौरव जी को भी एक प्रति भेंट कर रहे हैं। योगेश जी आप एक ही बात है, आप नहीं, नहीं चलो हम दोनों करते हैं इनको, राजनीति विज्ञान में तो महारथी हैं। एक है ना स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछा था, हाँ जी हाँ जी, 2020 वाला ही आएगा बिकॉज रिपोर्ट एक साल पहले की आती है। सर्टेनली सर्टेनली, और सर 2021 की रिपोर्ट इसलिए भी नहीं आई क्योंकि कोविड ने सब कुछ बंद कर रखा था, अभी तो आया नहीं, तो वो क्वेश्चन स्टूडेंट का सही है। ठीक है, किसी ने कहा 101 क्वेश्चन करेक्ट है, बहुत ही अमेजिंग स्कोर है। कलेक्टिविटी आई हो तुम तो भैया, 101 तो कलेक्टिविटी आ गई, सही हो सकते, तैयारी करो मेंस की दम लगा के। उपलब्ध है हाँ बिल्कुल, ये वाली बुक तो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध नहीं है, बैच आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, आरएस मेंस का भी फाउंडेशन हो सकता है क्या? हाँ, आप तैयारी करो, आप डरो मत, अनुमानित कट ऑफ भले ही हम थोड़ी ज्यादा भी बताए ना आपके मार्क्स से, तब भी आप परेशान मत होना और डटे रहना, रुके रहना, मेंस की तैयारी आप शुरू करते रहना। 138 कलेक्टिव एफर्ट, मैं सम्यक टीम का, सम्यक परिवार का हिस्सा हूँ, सदा रहूंगी, और मैं चाहती हूँ आप भी सिलेक्ट हो और इस परिवार का हिस्सा बने, फिर आप भी ज्ञान दे लोगों को, खुशी होगी। 25 राइट क्वेश्चन है, 75 पर देखो, अभी हम कोई ऐसे घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आज शाम लेट तक या कल हम इस बात को बता पाएंगे कि लगभग कितना स्कोर रह सकता है। ठीक है, अरे फैन है ना आप, लग जाओ मुख्य परीक्षा में अभी से, हाँ काइंडली चलो। और आपको जो जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है यहाँ से, हमारी क्विक रिविजन क्लास से, मैम की क्लास से, सबसे जहाँ से भी आपको मिला है, और वास्तव में ही आपको गुरु दक्षिणा देनी है, तो मुख्य परीक्षा में भी सेलेक्ट होके और फाइनल अंतिम जो वरीयता बनेगी आरपीएससी के इंटरव्यू के बाद, उसमें सेलेक्ट होके आप हमें दक्षिणा दें, और वो हम कृतज्ञ होंगे उस दक्षिणा के लिए, खुश होंगे उसके लिए। सर मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि देखिए ज्ञान का स्तर किसी का कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर आप अपना दिमाग को स्कैन नहीं करवा रहे हैं, इट्स ओनली योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन दैट मैटर। तो जो हम यहाँ आपको तैयारी करवाते हैं वो न केवल ज्ञान की करवाते हैं, ये भी कि उसको लिखा कैसे जाए, प्रस्तुत कैसे किया जाए, कम शब्दों में गागर में सागर कैसे भरा जाए, उसके लिए हम यहाँ हैं। क्योंकि पढ़ तो आप सभी लोग एक ही प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से क्या निचोड़ निकले और किस पॉइंट को हाईलाइट करना है, किसको बोल्ड करना है, किसने बुलेटेड बनाने हैं, उसके लिए हम यहाँ तैयारी करवाते हैं मेंस के आंसर राइटिंग की। और इसी वजह से सिलेक्शन, सर आप अपने मुंह से कभी नहीं कहते, पर 1051 में से 560 से ज़्यादा सिलेक्शन सम्यक से हुए, और ये बताने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और इस परिवार से जुड़ने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ हमेशा।
ठीक, एक क्वेश्चन बीच में था कि योगेश सर बैच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। भैया योगेश सर बैच में रहेंगे, इसीलिए तो अभी इनको लेके आ रहे हैं साथ में। योगेश सर बैच में रहेंगे और आपको अभी 29, 30, 31 की क्लासेज में इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आगे भी रहेंगे। और योगेश जी यहाँ के फाउंडर मेंबर हैं, बीच में लॉकडाउन पीरियड में ये नहीं दिखे थे, उसका बड़ा कारण था ये बुक। इन्होंने इतने बड़ा स्वाध्याय किया था और बुक लिखी थी, इसलिए बीच में ये यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं थे। जैसे ही ये बुक कंप्लीट हुई है, ये तो बिल्कुल साथ में है आपके और लगातार आप तैयारी आपको करवाएंगे। कुछ लोग बोले ट्रिक्स काम में आई, कुछ लोग बोले 90% हो, बहुत अच्छा है आपका स्कोर, इतना अच्छा है, पर प्लीज फटाफट कीजिए, चलो अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने आप हमारे साथ बने रहे, लगातार जुड़े रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा हाईएस्ट लगभग 5,500-6,000 लगभग आपने लाइव पहुंचा दिया था, ये बड़ा एक नंबर था और हमारे लिए बहुत अच्छा सुकूनदायक था। हमें जी लगा कि पिछले दिनों हम जो यूट्यूब पर सक्रिय रहे और लाइव क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास से रिविजन क्लास भी अच्छी थी उनके माध्यम, और उसी का परिणाम आज आपने दिया है कि हम अच्छे खासी संख्या में आप हमारे बीच में साथ थे। वी आर द फर्स्ट वन टू कम ऑनलाइन एंड डिस्कस द पेपर, इसमें आपकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हर एक ने 10 सवाल लेके सॉल्व किए हैं, बहुत ही वंडरफुल। चलो थैंक यू पूरी टीम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, है, मिलते हैं मुख्य परीक्षा की क्लास के साथ, तैयारी के साथ। ऑनलाइन बैच हमारा 29 से ही स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन दिवाली के बाद करेंगे, तब तक आप पीडीएफ हम अभी भेज देंगे आपको विद इन 10 मिनट्स आ जाएगा। जो लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन में ही आना चाहते हैं, वो भी अभी से ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि उनको तो फायदा ये होगा कि ऑनलाइन की फीस पूरी की पूरी आपको ऑफलाइन में एडजस्ट हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी नहीं, बल्कि आप 8-10 दिन का सदुपयोग कर लेंगे उससे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा जी, अरे रिवीजन क्लास देखो, प्रीलिम्स लेवल पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको लेने होते हैं जी, कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, तो इसलिए हमने वो नहीं कराई। टीचर जैसे इंग्लिश मीडियम वाले धर्मेंद्र जी भी हिंदी में बायलैंग्वेज करा रहे थे, तो उस समय इंग्लिश मीडियम के ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। मेंस के लिए हम अलग से जब कराएंगे आंसर राइटिंग, तो वहाँ निश्चित रूप से आपको अलग से ही क्लास मिलेंगी। और सम्यक की टेस्ट सीरीज मैं खुद लिख रही हूँ, इनके सारे टेस्ट के आंसर्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे कुछ वीडियो सम्यक के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अब और यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, यहाँ आने पर मिलेंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन विद इन द इंस्टीट्यूशन चाहते हैं। सारे 15,000 लोग जो सेलेक्ट होंगे उन सबको एक जैसा लिखना सिखाएंगे तो आप कैसे पास होंगे, तो कुछ तो की रहनी चाहिए हमारे पास भी। पापा की कलेक्टर बटिया सम्यक आना चाह रही हैं, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत। और हाँ, जैसा बताया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप समझ नहीं पाए हों, तो जो यहाँ मेंस की टेस्ट सीरीज करवाते हैं उसके जो मॉडल आंसर होते हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही मुक्ता जी लिख रही हैं, और वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल भी जाएंगे। पिछले जो 4-5 टेस्ट हुए, 3 टेस्ट करवाएं, तीनों के डिस्कस भी करें, और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जहां हैंड रिटन लिखते हैं हम, उसी तरह इन्होंने दिया है उसको। आगे के टेस्ट भी ये कराएंगे आपको, और इवन यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो टॉप 50 है और बॉटम 50 है उन सब के लिए अलग से हम कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करें। बिल्कुल सर, लिस्ट में तो हमारे चाहिए ना, पूरे 1 से लेकर 100 हमारे ही होने चाहिए। अशोक कुमार कहां से प्रिपेयर किया, क्या अशोक कुमार समझ में नहीं आया क्वेश्चन रोहित जी आपका, वो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं सर। ठीक ठीक, चलो चलो, बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।